गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू थर्ड लेक्चर ऑफ टैक्सेशन। कल क्या पढ़ा था याद है क्या? हाँ, डेफिनेशंस पढ़ी थी। डेफिनेशन में असेसी पढ़ा था, असेसमेंट पढ़ा था, पर्सन सबसे जरूरी। पर्सन है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तू है तो पूरी कायनात, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, और क्या देखा था? कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, ये सारे सारे तरीके आपको सब बताए थे। डैमेजेस, ये ट्रांजेक्शन, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इसके बाद ड्यू रिसिप्ट क्या होता है, रेगुलर कैजुअल क्या होता, ये सारी बातें, सब बेसिक चीज़ें हैं। बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम में इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कभी ऐसा लिखा है व्हाट इज डेबिट, ऐसा अकाउंट्स में क्वेश्चन आया है व्हाट इज डेबिट? नहीं, नहीं आया। लेकिन बिना डेबिट क्रेडिट के कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते आप, सही है? नहीं है, ये है इसका इंपॉर्टेंस। व्हाट इज डेबिट बाय द वे? लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इंडिया की डेफिनेशन आपको कल थोड़ा सा बताया था मैंने, तो आज उसको थोड़ा एलाबोरेट करता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। एक डायग्राम देखिए आप, इंडिया की डेफिनेशन, वैसे तो सबसे अच्छी डेफिनेशन CGST एक्ट में दी हुई है। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेना, इंडिया की डेफिनेशन एक ही है, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो चाहे GST एक्ट हो, लेकिन GST एक्ट में डायग्राम के साथ डेफिनेशन है। दैट्स व्हाई मैं ये तरीके से आपको बताना चाहूँगा। ये समझ लीजिए बेटा, अपनी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन यानी मुंबई की, वो जो अपना इंडिया रहता ना, ऐसा इंडिया नहीं रहता क्या ये? ऐसा तो ये कोस्ट लाइन ऐसा ही है ना, इंडिया नीचे से, ये कोस्ट लाइन है, ऐसा समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये कोस्ट लाइन के आगे, कोस्ट लाइन तक तो इंडिया है ही ऑब्वियसली, आगे 12 नॉटिकल माइल, ये बेस लाइन, यहां से 12 नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल कितना होता है, मैंने आपको बताया था 1.83 किलोमीटर। भाई आई बात समझ में? समझ आ रहा मैं क्या कह रहा, आ रहा ना? तो 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स है। कौन सा पानी है? टेरिटोरियल वाटर्स। ये टेरिटोरियल वाटर्स मतलब इंडिया होता है। ठीक है, उसके और आगे जाए 12 से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक, यानी यहां से यहां तक 24 हो गया। ठीक है, 12 प्लस 12, उसको क्या बोलते बेटा? कंटेजियस जोन। क्या बोलते हैं? कंटेजियस जोन। ये भी इंडिया है। अगेन कंटेजियस जोन से 200 नॉटिकल माइल तक, कम ऑन, यहां से यहां 200 नॉटिकल माइल तक, इसको क्या कहेंगे बेटा? टेरिटोरियल वाटर से 200 नॉटिकल माइल तक इसको क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या कहेंगे? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसके आगे जो है उसे हम हाई सीस कहते हैं। क्या ये इंडिया नहीं है? इंडिया यहीं तक है। इसके आगे टेरिटोरियल वाटर, इंटरनेशनल वाटर स्टार्ट होकर, भाई बस हम आज आई नहीं गया यशा, आई नहीं सुबह से नहीं। ठीक है, ये समझ में आई बात आपको? और ये जो इसके नीचे की जमीन रहती है ना, समुद्र के नीचे की जमीन, जमीन भी तो है ना, उसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी इसके अंदर जो कुछ खोदेंगे, जो कुछ मिलेगा, क्रूड ऑयल वगैरह जो भी कुछ, वो अपना, अपने देश के हिसाब से 200 नॉटिकल माइल तक जो भी कुछ नीचे मिला वो अपना है। ठीक है, अब एक चीज समझना, इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के अंदर की जमीन, टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड, सब सॉइल अंडरलाइंग सच वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और एनी अदर मैरिटाइम जोन एट रिफर टू इन टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन एक्ट, यानी ये सारी चीजें इंडिया है, सीधी सी बात में अगर ये समझ लीजिए। अब हवा, हवा तो जो इंडिया में अपन रहते हैं जमीन पे, उसके ऊपर की हवा अपनी, टेरिटोरियल वाटर्स की हवा अपनी, कंटेजियस जोन की हवा अपनी, क्या यहां लिखा है? द एयर स्पेस अबव इट्स टेरिटरी, टेरिटरी यानी ये हमारा जमीन, एंड टेरिटोरियल वाटर्स यानी ये बोला है क्या? कंटेजियस जोन के ऊपर की हवा अपनी बोला है? ये बोला है? बोला है क्या? नहीं, इनकम टैक्स में जितना बोले उतना हम करेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया।
आगे जानना चाहेंगे थोड़ा सा। ये तो जीएसटी से मैंने आपको इंडिया की डेफिनेशन पढ़ाई, वही डेफिनेशन यहाँ लिखी है बेटा। अब एक और चीज़ है कंसेप्ट यहाँ पे, मैक्सिमम मार्जिनल रेट, एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। ये चैप्टर एंड होने के बाद बताऊंगा, क्योंकि जब तक टैक्स रेट क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, अभी टैक्स रेट पे मैं आया ही नहीं हूँ, तब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी व्हाट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट यानी ज़्यादा से ज़्यादा, और व्हाट इज एवरेज रेट। ये चीज़ें इसको मार्क कर लो, हम लेटर पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे बेटा? लेटर। लेटर यानी चैप्टर होने, यही चैप्टर होने के बाद, समझ आई बात? तब अपने आप समझ भी जाएगा आपको, ठीक है, अभी फिलहाल नहीं समझा सकता। ये शायद आपको पता है, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा तो इसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, इट मींस फाइनेंशियल ईयर। मैंने आपको उसी दिन बोला था फाइनेंशियल ईयर मतलब ही प्रीवियस ईयर होता है, इट मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीजिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन में हमने बोला था ईयर इमीजिएटली फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर, तो प्रीवियस ईयर क्या हुआ? ईयर इमीजिएटली प्रीसीडिंग। अरे आप मेरे आगे खड़े हो तो आपके पीछे मैं, मेरे आगे आप, ऐसे ही कहते हैं ना, नहीं कहते? असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, क्या ये बात सही है? हाँ, प्रीवियस ईयर में पैसा कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन न्यूली सेटअप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये एक और चीज यहां पर आती है। अब देखना, आप कोई नया बिजनेस लगा रहे हो तो जरूरी है कि आप 1 अप्रैल से ही स्टार्ट करोगे? नहीं, कभी भी कर सकते। मान लो आपने 1 मार्च से नया बिजनेस स्टार्ट किया, मान लीजिए, या 1 मार्च 2020 को मैंने नया बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट ही 1 मार्च 2020 को किया है, अब बताओ मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? चलिए 1920, बिल्कुल सही बोले, गलत नहीं बोले। और मैं लेकिन पिछले 11 महीने मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैंने 1 मार्च से स्टार्ट किया। अब बोलिए डेट कौन, कहां से कहां तक पकड़ू? कॉमन सेंस है बेटा, 1322। अरे साहब, अगर एक ही महीना बिजनेस किए तो एक ही महीने का आपका ज्यादा का बनेगा, एक ही महीने का बनेगा, आपने बिजनेस ही नहीं किया ना। और असेसमेंट ईयर उसके बाद वाला, ठीक है, वो तो ईयर पूरा ही रहेगा, असेसमेंट ईयर हमेशा पूरा ही रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आई ये कहानी? और अगर बराबर 1/4 से स्टार्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना? समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा? इन सच केस प्रीवियस ईयर शैल बी पीरियड, मतलब अगर आप नया बिजनेस सेटअप कर रहे हो इस फाइनेंशियल ईयर में, इफ यू आर सेटिंग अप न्यू बिजनेस इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, तो पीरियड बिगनिंग फ्रॉम द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एंडिंग विद 31 मार्च ऑफ सेट फाइनेंशियल ईयर। मैंने कब बिजनेस चालू किया था बेटा? 1 तारीख को, तो 1 तारीख से लेके उस फाइनेंशियल ईयर की 31 मार्च तक। वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है सर? 1920 है, 1920 का 31 मार्च क्या हुआ? 31/3/2020, बोलो हाँ कि ना? हाँ, शाबाश, दो एग्जाम्पल दिए, आप चाहे देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 2 मिनट लगेंगी, जल्दी देखो, इसके बाद मैं बहुत हॉट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मजा आएगा। है ना, आसान है ना, सब आसान लग रहा अभी, बाद में पता चलेगा, रुको अभी। अच्छा एक बात बताओ सर, अभी तक आप बड़बड़ कर रहे थे कि इनकम कमाएंगे प्रीवियस ईयर में और टैक्स कब लगेगा? असेसमेंट ईयर, है ना? ऐसा मैंने बोला, आपने भी माना, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके अंदर ये रूल फिट नहीं बैठेगा, कुछ केसेस ऐसे जिनके अंदर ये रूल फिट नहीं बैठेगा। इसमें दो चीज आती है, एक प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, अनडिस्क्लोज सोर्स, पानी दिख रहा है लेकिन कुआं नहीं पता, इनकम दिख रही है लेकिन कहां से आई ये नहीं पता, समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? देखो सोर्स ऑफ इनकम मतलब ये कहां से आई, और इनकम मतलब पैसा,
एग्जाम्पल, वैसे पानी, ये पानी है समझ लीजिए, पानी है, लेकिन इसका सोर्स क्या है? मेरे घर में पड़ा हुआ मटका, वो सोर्स है इसका, मैं बोल सकता। तो इनकम टैक्स को ये इनकम तो दिख रही है, सोर्स नहीं पता आपने, क्योंकि सोर्स डिस्क्लोज ही नहीं किया। गवर्नमेंट बोलती भैया हमको कुआ बताओ, पानी पे तो हम टैक्स लेंगे ही तुम्हारे से, लेकिन कुआ भी बताओ हमारे को, ठीक है। तो अब ये कुएं के बारे में थोड़ी सी बात है। इसके बाद एक और इससे चीज रिलेटेड आती है फ्रेंड्स, एक और चीज रिलेटेड आती है, ये देखिए, ये रहा, ये है कुछ एक्सेप्शंस। क्या है ये, मैं दोनों पढ़ाऊंगा, इसको समझने को थोड़ा टाइम लगेगा और मैं इसको टाइम दूंगा भी, क्योंकि इसको अगर टाइम, इस पर एक तो क्वेश्चन आने के चांस है, नंबर वन क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और इसको टाइम देने से सेकेंड चैप्टर में आपको बड़ी मदद मिलेगी, वहां मेरा टाइम थोड़ा बचेगा। आई बात समझ में? तो वैसे तो आज मैं सरचार्ज पे नहीं आऊंगा, आज मैं टैक्सेशन निकालना आपको सिखाऊंगा, और मटकल अपनी क्लास नहीं है, मंडे को अपन सरचार्ज पे आके, मंडे को मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपको मंडे तक टैक्स निकालना, सरचार्ज लगाना सब आ जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान रख लेना, आपके अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चन आना ही आना, इस पे यानी टैक्स निकालने पे। आप नवंबर वाले हो, आप मई वाले हो, मई में पक्का आएगा, अगर मई में आ गया तो नवंबर में नहीं आएगा, ये भी बता देता हूँ। तो इनका पेपर देख लेना, मतलब मैं तो दिखा दूंगा, इनमें आ गया ना तो छोड़ देने का, फिर वो नहीं आता, फिर वो छोड़ सकते हैं अपन, ठीक है। 30-40 मार्क का पेपर प्रिडिक्टेबल रहता है इनकम टैक्स में हमेशा, कि ये आने वाला है कन्फर्म, मैं ही बता दूंगा आपको। उसके बाद भी पास नहीं हो सके तो हमारे जैसा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। माइंड नहीं करना बेटा मेरी बात, हम जो मैं उसी दिन आपको जो है वो गलती होती है, ठीक है। प्रिडिक्टेबल है पेपर, बिल्कुल ये आने वाला है सेक्शन। जीएसटी का पेपर पिछले बार मैंने 18 मार्क का पेपर प्रिडिक्ट कर दिया था और वही है। अरे मेरे पास कोई अकल ज्यादा थोड़ी है, अरे वो अमेंडमेंट हुए थे और वो भी बीच में एग्जाम नहीं हुई थी, तो दो बार के पूरे अमेंडमेंट एक साथ पूछ लिए इंस्टीट्यूट ने, बीच में एक एग्जाम रह गई थी ना, तो वो अमेंडमेंट एक साथ पूछ लिए, तो सबको पता था आएंगे ऐसा। तो अब ये ठीक है, चलता है, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं कहना चाह रहा था, मैं पहला पिछली चीज पढ़ाता हूं आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, बेटा यहाँ पे छह चीजें हैं, ये छह चीज का पहले मतलब बताऊंगा, ठीक है। कुछ सेक्शंस दिए, सेक्शन नंबर याद करो तो ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, टेंशन वाली बात नहीं, सेक्शन नंबर के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। लिखो तो सही लिखो, वरना मत लिखो, गलत लिखने से मार्क कट जाएंगे, नहीं लिखेंगे तो नहीं कटेंगे, गलत नहीं लिखना है, याद है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये देखिए बेटा, सबसे पहला अमाउंट, पहला वहीं से शुरू है ना, नहीं कैश क्रेडिट से शुरू है, इसने ऐसा उल्टा लिया, ठीक है अपन भी उल्टा ले लेते, अपना क्या जा रहा है, एक ही बात है, एक अच्छा सेक्शन वाइज लिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेक्शन 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, ये है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम। पहला कैश क्रेडिट, समझना कहानी, कैश क्रेडिट, अकाउंट्स याद करो, क्या याद करोगे, अकाउंट्स, कैश क्रेडिट मतलब कैश आई की गई, अकाउंट्स है आई, अरे कैश अकाउंट, अरे कैश आई ना, तो कैश अकाउंट क्या करोगे, डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करते यार, आप बताओ भैया अकाउंट्स वाले हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो इतनी सी बात में, बोलो ना बोलते क्यों, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश आई कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, और क्रेडिट क्या करेंगे, एक्सपेंसेस क्रेडिट करेंगे, जिस अकाउंट से कैश आई उसको क्रेडिट करेंगे, वही तो पूछ, कंफ्यूज क्यों हो रहे फिर इतनी सी एंट्री के अंदर, तेरे कुछ लोग हो रहे थे कंफ्यूज, हाँ अरे भैया जैसे मुझे टीचिंग से पैसे आए तो मेरी टीचिंग मेरी इनकम हो गई, इनकम का सोर्स क्रेडिट, और जो व्हाट कम्स इन शुड बी डेबिटेड, है ना, अकाउंट्स पढ़े ना, ठीक है। आपने भलते नाम से कैश क्रेडिट मार दिए, कैश क्रेडिट यानी
टीचिंग से पैसा आया, जुआ खेला पैसा आया, एग्रीकल्चर से पैसा आया, इसने पैसा दिया, उसने पैसा दिया, पैसे आए नहीं थे, आपकी ब्लैक मनी थी, लेकिन आपने जबरदस्ती उसको, मैं यहाँ से आया वहां से आया, रास्ते पे मिल गए पड़े हुए, कुछ भी नाम से मैंने मार दिया कैश क्रेडिट, मान लेगा क्या डिपार्टमेंट? तुमने बोला हमने मान लिया, ऐसा थोड़ी होता। ठीक है, अब जरा नॉर्मली से एक बार ये पढ़ लेता हूँ, चलो ठीक है, नए पेज पे आएंगे। नॉर्मली इनकम अर्नड इन प्रीवियस ईयर गेट टैक्सड इन असेसमेंट ईयर, ये आपको पता है, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अब मैं दो चीजें अब नॉर्मली बता रहा हूँ, एक तो ये सेक्शन 68 से 69 और एक इसके बाद वाला जो पांच एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे। हाउएवर इन सर्टन केसेस, कौन से सर्टन केसेस, ये छह केसेस है, वेयर इनकम इज नॉट डिस्क्लोज्ड बाय टैक्स पेयर, उसने नहीं बताया, बट डिटेक्टेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। समझे क्या इसका मतलब क्या होता? भैया इनकम तो थी पर तूने नहीं बताया, हमने पकड़ा, चोरी तो तुमने किया लेकिन सच्ची सच्ची बताया नहीं कि हमने चोरी किया, हमने रंगे हाथों आपको पकड़ा है चोरी करते हुए, हमने पकड़ा है कि आपने टैक्स की चोरी की थी, आपने इनकम छुपाई थी। इनकम क्यों छुपाता आदमी? टैक्स बचाने के लिए, ऑब्वियसली, नहीं तो छुपाने की चीज थोड़ी है वो, और हमने डिटेक्ट कर लिया। एंड सो और हमने आपसे पूछा भैया कहां से आई बता, तो आप टेढ़े मेढ़े जवाब दे रहे। क्या टेढ़े मेढ़े? वो रास्ते में पड़ी मिली, वो मैंने शर्त लगाई थी। किससे लगाई थी शर्त? वो याद नहीं है मेरे को। ऐसे टेढ़े मेढ़े आप जवाब दे रहे हो, गोल घुमा रहे हो जबरदस्ती, मेरे घर के नीचे खजाना निकला, ऐसे फालतू की बात है अगर आपने की, मतलब द सोर्स फॉर विच इज नॉट सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन्ड बाय द असेसी टू द असेसिंग ऑफिसर। पानी तो बकेट भर के ला रहे, कुआ कहां पूछ रहा तो बता ही नहीं रहे, वो सीधा जाके वहां जाओ, ऐसे फालतू की बातें आप कर रहे तो आपकी बैंड बजाई जाएगी। क्या बैंड बजाई जाएगी वो देख लो, पहले कब बैंड बजाई जाएगी ये समझ लो। नॉर्मल क्या है, नॉर्मल केस क्या है, इनकम अर्न्ड इन द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, बराबर है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर, अगर कौन से केसेस, इनकम आपने डिस्क्लोज नहीं किया और हमने डिटेक्ट किया, मैं असेसिंग ऑफिसर, मैंने डिटेक्ट कर लिया, और जब मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई कहां से लाया, तो आप मेरे को बेवकूफ बना रहे, गोलमोल जवाब दे रहे, सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैं कुछ करूंगा। सीधी बस, सीधी उंगली से घी निकला तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो असेसिंग ऑफिसर कहेगा इट इज डीम टू बी द इनकम ऑफ ईयर इन विच इट इज सो डिटेक्टेड। ओ हो, ये क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है जिस समय मैंने वो पकड़ा उस साल की वो इनकम, ऐसा मैं मान लूंगा। नहीं समझे? आपने, आपके दादाजी ने इनकम कमाई हो 10 साल पहले और उन्होंने टैक्स नहीं भरा, इमेजिन करो, इमेजिन, और अभी तक तो आप कुछ करने, आप भी चुपचाप, वो 1 करोड़ रुपए घर में पड़े थे आप बता नहीं रहे चुपचाप। अच्छा 10 साल पहले टैक्स रेट कम थे, आज थोड़े से ज्यादा है कंपैरेटिवली, ठीक है, पेनल्टी वेनल्टी कम थी, आज थोड़ा ज्यादा है, तो वैसे 10 साल पहले भी था लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट थोड़ी वो थी, जाने दो, लेकिन वो 10 साल पहले की इनकम थी, कभी भी थी, वो अपने को उसमें नहीं जाना है। वो 1 करोड़ रुपए आज इनकम टैक्स ऑफिसर को दिख गए, अरे भैया ये तो तुम्हारे पैसे, आप जवाब नहीं दे पा रहे, भैया वो मालूम नहीं कहाँ से आया, तो असेसिंग ऑफिसर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। वो इनकम कौन से साल की थी रियल में? वो 10 साल पहले की थी, लेकिन हम क्या करेंगे, अभी दिखी ना, ये इस साल की इनकम है, काम खत्म, और उसका असेसमेंट कर डालेंगे। समझ आई बात? समझी ये बात? भैया कमाई कब थी अब हमको मतलब नहीं है, लेकिन क्या कंडीशन है समझ लेना, आपने डिस्क्लोज नहीं किया, उसने डिटेक्ट किया, और आपसे जब पूछ रहा है तो आप सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे रहे। अगर आपने ईमानदार से बताते, देखो भैया ये 10 साल पहले की, मेरे दादाजी छोड़ के गए थे, ये देख लो सबूत दे रहा हूं मैं, तो बराबर उसको फिर 10 साल पहले की मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, तो भैया जिस साल वो मिली इन विच इट इज सो डिटेक्टेड, जब दिखा उस साल की इनकम, जाओ तेल लगाने जाओ, जो करना करो। समझा गया? बोलो बेटा कोई शंका हो तो बजाओ। नहीं शंका अब आएंगी। ओ आयुष, है क्या कोई शंका? नहीं है क्या? चलिए आगे चलने की कोशिश करते हैं। फॉलोइंग आर सच केस, ऐसे केस, कुछ केसेस है, इसके अंदर पहला है कैश क्रेडिट।
आपके बुक्स के अंदर कुछ क्रेडिट दिख रहा है इन द बुक्स ऑफ असेसी एंड असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन. उसका कोई जवाब ही नहीं है. आपने बुक्स में तो एंट्री मारा, पैसे आए, ये इनकम का सोर्स है, लेकिन उसका बराबर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे. आपने मेरे को, जैसे मैंने आपको पूछा कि भैया ये पैसे कहाँ से आए, वो मेरा नहीं क्या, वो चाय का बिजनेस है मेरा, वो चाय बेचा उससे पैसे आए, पार्ट टाइम मैंने गाड़ियाँ साफ की लोगों की और चाय बेचा. बोला अच्छा तू सीए आदमी है और तू गाड़ियाँ साफ कर रहा और चाय बेच रहा. नहीं वो बेचा मैंने. तो यानी जो आप क्या ये एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है क्या आपको? एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज नॉट सेटिस्फैक्टरी इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर. द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज्ड एज इनकम ऑफ असेसी इन दैट प्रीवियस ईयर. अब समझना सर, ये तो बुक्स में दिख रहा है ना. हाँ बुक्स में दिख रहा है, लेकिन आप उसका सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं क्या? ना. अब इसमें होता क्या है, एक कंसेप्ट समझो. 18, 19, 19, 20, 20, 21, ये सब मैं फाइनेंशियल ईयर लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? अब इसकी तारीख बता दो. 1/4/18 से 31/3/19, 1/4/19 से 31/3/20. सही लिख रहा नहीं लिख रहा? अरे बोलो ना, इतना तो आ गया होगा अभी तक. नहीं बेटा, ठीक है. इस साल मैंने 5 करोड़ रुपए कैश क्रेडिट, 5 करोड़ ज्यादा हो जाएगा जाने तो, जो बहुत बड़ी बात हो गई, तो 10 लाख रुपए कैश क्रेडिट किया था. मैंने दिखा दिया चुपचाप क्रेडिट, पता ही नहीं चला असेसिंग ऑफिसर को, काम खत्म. टैक्स वैक्स भर दिया उस पर, जो भी है टैक्स वैक्स भर दिया, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है. इस साल कुछ नहीं हुआ, इस साल कुछ नहीं हुआ, इस साल स्क्रूटनी आई. स्क्रूटनी का TIN, सॉरी, स्क्रूटनी का मतलब पता है क्या होता है? चेक करेंगे वो लोग. और इस साल जो स्क्रूटनी आई ना, वो इस साल की आई. सेक्शन 142(1) के तहत मुझे नोटिस आया, ये सेक्शन फाइनल में पढ़ेंगे, नोटिस आया भैया वो तुम्हारे वो साल के जो बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, लेके आओ, हम देखेंगे तुमने सही किया क्या. अब जैसे ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट खोलता है, उसमें ये 10 लाख उसको दिख जाते हैं. डिटेक्टेड. क्या हुआ? डिटेक्टेड. अब आपसे सवाल पूछ रही, क्या है बेटा? बाप बता ही नहीं रहे. आपने ये पैसे एक्चुअली घोड़ा रेस में कमाए थे, समझना कंसेप्ट. घोड़ा रेस में ये पैसे कमाए थे, क्योंकि घोड़ा रेस के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स लगता है, तो आपने टैक्स बचाने के लिए ऐसे ही दिखा दिया और बोला मैंने चाय बेची. चाय बेची तो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, 5%, 10%, 20%. आपने टैक्स बचा लिया. अब ये पूछ रहा है तो आप जवाब नहीं दे रहे बराबर, जवाब नहीं दे रहे आप बराबर. अरे भैया तो ये कहाँ की इनकम है तेरे? फिर वो डिटेक्ट करके आपका गला दबाएंगा ना, नाक दबाएगा जब मुंह खुलेगा, फिर आप बोलोगे हाँ वो घोड़े रेस में कर लिया था सर मैंने. अच्छा ठीक है, अब तेरी बैंड बजेगी. अब इसको ये साल की इनकम नहीं मानूंगा मैं, कौन से साल के मानूंगा, और पूरी 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 कुंडली फिर से बनाई जाएंगी आपकी. ये 2021 की इनकम मानेंगे, घोड़े रेस की इनकम है, कितना टैक्स है? फ्लैट 30%, ये तो लगेगा ही. पेनल्टी, इंटरेस्ट तो, हाँ वो भी इंटरेस्ट तो लागू है. टैक्स कहाँ दिया था आपने उस समय? 10 लाख पे जितना टैक्स देना चाहिए था उतना थोड़ी दिया आपने, देना तो 3 लाख चाहिए था, आपने 1-1.5 लाख में निपटा दिए उनको. ऐसा नहीं, 1,12,500 टू बी वेरी स्पेसिफिक. समझ आई बात? समझ रहे नहीं समझ रहे? इस साल की इनकम मान लेंगे और काम खत्म, असेसमेंट कर डालेंगे तुम्हारा, सिंपल. वो बेनिफिट मिलेगा ना तो उसका, वो जो भरा हुआ माइनस करेंगे ना. अरे वाह, ऐसा थोड़ी होता, जो भरा हुआ माइनस होगा और इंटरेस्ट भी डिफरेंस अमाउंट पे लगेगा. 6 साल उसके बाद अगर आप आके भी बता दो ना, ये देख 7 साल पहले मैंने 1 किलो सोना कमाया था, देख तेरे को पता ही नहीं चला, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ आपको. लेकिन ये जो सुनो, अब बता एक चीज और आपके करेक्शन के लिए, बात निकली है तो दूर तलक जाएंगी. ये 6 साल की लिमिट इस साल तक ही है, ये बजट में निर्मला मैडम ने ये 6 को 10 कर दिया. नहीं तो अब अगले साल जाके मत चिल्लाना 1 करोड़, अबे 10 साल हो गए भैया, बुक्स बुला लेंगे तुम्हारे. ये दस दस छाए, हाँ इसके पीछे लेकिन डिबेट चालू है अभी. अब वो 10 साल कुछ पर्टिकुलर प्रूफ रहना चाहिए, लेकिन कुछ 5 करोड़ से ज्यादा का इवेजन रहे तो ही 10 साल का खोलेंगे, ऐसा कुछ तो भी उसने क्लॉज डाला है. पूरा मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने अभी उसको उतना पढ़ा नहीं, लेकिन इतना मालूम है वो 6 का 10 कर दिया उसने.
अब अगर आप लोग भगवान ना करे अगर ये अटेम्प्ट में नहीं निकले, नहीं नौ पे नौ, हाँ नवंबर में नहीं निकले तो फिर ये सब पढ़ना पड़ेगा वैसे भी। लेकिन ये बेटा सीए फाइनल का पार्ट है, ये जितना भी है ना इस सीए फाइनल में एक टॉपिक है असेसमेंट प्रोसीजर्स। क्या टॉपिक है? असेसमेंट प्रोसीजर्स, उसके अंदर ये सब कुछ है। सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 154 तक, सेक्शन 154 रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक, सब कुछ है उसके अंदर, बड़ा मजा आता है। ठीक है, अभी जाने तो, अभी हमारे बच्चे है ना। इसके बाद सेकेंड चीज आती है अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। अगेन इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वेयर द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर असेसी हैज मेड सम इन्वेस्टमेंट विच आर नॉट रिकॉर्डेड। समझना, पहले इसमें तो बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रहा था, यहां दिख ही नहीं रहा। मतलब ये क्लियर फैक्ट, क्लियर केस ऑफ कंसीलमेंट हो गया, तुमने छुपाया। अगर छुपाते नहीं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते, तुमने छुपाया। एंड एसएससी ऑफर्स, और साथ ही साथ कोई जवाब भी नहीं दे रहा, चुपचाप बैठा है। जो चुपचाप बैठा है तो मतलब कुछ दाल में काला है। तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? या तो जवाब नहीं दे रहा या जो जवाब दे रहा वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, मजाक कर रहा, फालतू की बात कर रहा। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, उसको टैक्स करेंगे, उसको इस साल की इनकम मान के उस पर टैक्स लगा डालेंगे। आई बात समझ में? अनएक्सप्लेन्ड मनी, मैं ये जो बार बार बोल रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं इस साल की इनकम मान लेंगे, टैक्स अगले साल ही लगेगा असेसमेंट ईयर में, इनकम इस साल की मानूंगा भले ही वो पिछले कोई और साल की क्यों ना हो। नहीं समझे? हो 10 साल पहले की, उससे मैं 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया, पता आज चला, तो मैं उसको आज की इनकम मान लूंगा और असेसमेंट ईयर में उसका असेसमेंट हो जाएगा। वैसे इतना रुकता नहीं है जनरली, तुरंत असेसमेंट कर डालते वो लोग, बहुत बदमाश रहते हैं। तू भैया भाग जाएगा, तू पैसे दे पे हमारे को पहले, ऐसे भी प्रोविजन है, ऐसे भी प्रोविजन है। बताऊ क्या? इधर देखो, ये देखो, तू भाग जाएगा, हमको नहीं पता, विजय माल्या तू आज ही टैक्स दे। यानी आप समझ लो पैसे कमाए आपने, घोड़ा रोस में खूब पैसे कमाए इस साल, पैसे ही कमाते जा रहे, सारी घोड़ा रेस आप जीत, हॉर्स रेस आप जीतते ही जा रहे हो। और इनकम टैक्स ऑफिसर वहां रोज आता है, उसको पता चले आदमी साला रोज जीत रहा, कितने जीत लिया, 100 करोड़ जीत लिया। तो अगर उसको ये डर है कि यार ये 100 करोड़ है, 30 करोड़ रुपए टैक्स होता है और ये आदमी कहीं भाग ना जाए छोड़ के इंडिया, या डाउट है कि वो पैसे देगा कि नहीं, तो असेसमेंट ईयर तक का वेट नहीं करेगा वो, अब भी पैसे ला, पहले पैसे दे, ऐसा पावर है। हाँ ये देखो, अगर ऐसा लगता है कि वो या तो विदेश जा रहा है और वापस नहीं आने वाला, अगर ऐसा लग रहा है तो उससे पहले पैसे लिए जाएंगे फिर जाने देंगे। आपको क्या लगता है विजय माल्या क्या ऐसी चोरी छुप के भाग गया था क्या? 28 सूटकेस लेके गया भैया, वो इतना आसान है कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्रॉस करना? अगर आपन अगर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट क्रॉस करते तो 50 सवाल पूछते अपने से, वो लोग उससे नहीं पूछे होंगे ये, बिना किसी पॉलिटिशियंस के हेल्प के वो जा ही नहीं सकता। नीरव मोदी ये सब हेल्प्स के साथ गए, और कुछ दिन हो हल्ला चलता है और उसके बाद सब भूल जाए। अभी याद है क्या आपको? विजय माल्या का नाम आता है हंस देते, हो गया ठीक है काम खत्म, 11,000 करोड़ याद ही नहीं आते अपने को। ठीक है जाने दो, ठीक है ये तो अभी अपन देख लेंगे। इसके बाद आता है बेटा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसी का आगे का है। कुछ डिस्क्लोज किया, मतलब 2 किलो सोना खरीदा और 1 ही किलो डिस्क्लोज किया, समझ रहे? नॉट फुल्ली, एक पहला था अनएक्सप्लेन्ड, सॉरी दूसरा था अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्ट, अरे अनएक्सप्लेन्ड मनी अपन ना छूट गया, सॉरी, एक कैश क्रेडिट था, एक अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट था, एक है इसके बाद अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी मतलब क्या हो गया? वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर असेसी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ, हमने, हमको ये पता चला। आपने बेनामी संपत्ति के बारे में सुना है? सुना होगा ये वर्ड बेनामी संपत्ति। बेनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, यानी ये प्रॉपर्टी है लेकिन किसकी है ये नहीं पता, रियल ओनर नहीं पता, बेनामी। ठीक है, बीच के अंदर जब डिमोनिटाइजेशन हुआ तो कई बेनामी लॉकर्स पकड़े गए, जो बैंकों के लॉकर्स रहते ना, बेनामी थे। फिर बाद में अगर पता चला कि ये संपत्ति अनएक्सप्लेन्ड मनी आपका है, यानी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ मनी, पता चला ये पैसा आपका है, या बुलियन, बुलियन समझता, सोने की ईट, बुलियन, बुलियन सोने की ईट, 1 किलो की 2 किलो की ईट देखी क्या सोने की? का फोटो में तो देखा होगा, हाँ ज्वेलरी, ज्वेलरी समझता, बुलियन ज्वेलरी में क्या फर्क है? बुलियन इज रॉ गोल्ड एंड ज्वेलरी इज पूरा प्रोसेस होके, ज्वेलरी समझता नहीं समझता,
अरे पहना है ना कान में आप लोगों ने, ज्वेलरी एंड अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स, हीरे मोती जवाहरात पन्ना अशरफिया, एंड सेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. समझना, फर्स्ट केस में बुक्स ऑफ अकाउंट में था, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ असेसी. और साथ ही साथ देखो वही रिपीट है, उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, और अगर एक्सप्लेनेशन देता है तो हमारे हिसाब से नहीं है तो हम क्या पकड़ेंगे, इनकम ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर. सिंपल वही चीजें रिपीट है. ठीक है, बढ़ू आगे. अरे हाँ कि ना, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज इन बुक्स ऑफ अकाउंट. मैं चाहूंगा ये पढ़ने के पहले हम ये एग्जाम्पल पढ़े. एग्जाम्पल पढ़ लिया तो ऊपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना बढ़िया एग्जाम्पल है. पढ़ो 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 पढ़ो. इफ द एसेसी इज फाउंड टू बी ओनर्स ऑफ से 300 ग्राम गोल्ड, मार्केट वैल्यू जिसकी 25,000 है, बहुत पुराना एग्जाम्पल है. आज 300 ग्राम गोल्ड 25,000 का थोड़ी आता है. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग दिस, बट ही हैज रिकॉर्डेड टू हैव स्पेंट 15,000 इन एक्वायरिंग इट, द असेसिंग ऑफिसर कैन एड 10,000, दैट इज डिफरेंस इन मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड 15,000 एज इनकम ऑफ असेसी इफ द असेसी ऑफर्स नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन. ये कहता है, समझना, एग्जाम्पल से आपको समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इस पर लाइट डालता हूं. 300 ग्राम सोने की मार्केट कीमत 25,000, 300 ग्राम सोने की मार्केट कीमत एग्जाम्पल है, ठीक है, कितने है 25,000, और आप कहते हो कि आपने 15,000 में खरीद लिया, तो क्यों आपका मामा मौसा कुछ बैठा है क्या, वो आपको 25,000 का सोना 15,000 में कौन दे रहा, चलो एक मेरे को बताओ, है कोई देने वाला, है आपके पहचान का, तो चलो ले लेते अपन थोड़ा भाई, कोई सस्ता दे रहा तो ले लेते. मार्केट वैल्यू से 150 कम ज्यादा मिल सकता है, उस एकदम 10,000 सस्ता दे दिया किसी ने आपको, यानी रुपए का माल अठाने में दे दिया ना, ऐसा नहीं होता मुन्ना. तो यानी आपने क्या किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है ना, कितने का, 25,000 का, जिसकी मार्केट वैल्यू 25,000 है, और आपने बोला कि हमने 15,000 में लिया, यानी आपने उस इन्वेस्टमेंट को फुल्ली डिस्क्लोज नहीं किया. आपने इन्वेस्टमेंट तो 25 का किया है, और आप हमको बता रहे हो कि आपने 10 का किया है, सॉरी 15 का किया है, पागल समझाया गया. तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है कितना 10,000, वो आपकी इनकम पकड़ लेंगे. नहीं समझे, नहीं समझे, समझे क्या, समझे क्या, क्या समझे, मतलब इसके पीछे की अगर कहानी समझना है तो ऐसा समझ लो, मेरे पास 10,000 15,000 रुपये व्हाइट मनी है, 10,000 ब्लैक मनी है, क्या समझे. वैसे ये समय पे ये टप टर्म्स बोलना ठीक नहीं है, लेकिन समझाने के लिए कुछ भी करना चाहिए. मेरे पास 10,000 ब्लैक मनी है, 15,000 व्हाइट मनी है, मुझे सोना खरीदना है, सोना लेकिन 25,000 का है, तो मैं ज्वेलर को बोलता है एक काम कर, 15,000 रुपये चेक ले ले, 10,000 में कैश देता. ज्वेलर के बाप का कैश जा रहा, हाँ ठीक है, उसको तो ज्वेलरी बेचने से मतलब है ना. अब मैंने चेक से पेमेंट कितने का किया, 15,000, तो मेरे बुक्स में कितना रिकॉर्ड होगा, 15, 10,000 दे दिया, सोना दिखाया 300 ग्राम, सोना दिखाया 300 ग्राम, और पेमेंट 15,000 का, तो 15,000 में तो 300 ग्राम मिलता ही नहीं. असेसिंग ऑफिसर ने लगाया दिमाग, कहाँ मिलता बता भाई, हम भी ले लेते. तो बोले नहीं, वो अगेन एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहा, या एक्सप्लेनेशन ऑफर इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. तो कुछ नहीं भैया, तूने उसको 25 ही दिए हैं, तूने 10 कैश में दिए हैं, ये 10 तेरी चोरी की इनकम है, हम ये 10 को आज तेरी इनकम मान लेंगे, पहले तूने टैक्स नहीं भरा होगा इसीलिए तूने बैंक से पेमेंट नहीं किया. समझे क्या, अरे समझे क्या, आगे चलू क्या. अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, सर इनकम पे टैक्स लगता है ना, कहाँ एक्सपेंडिचर को कहाँ ला लिए, यहाँ पे एक्सपेंडिचर देखने की जरूरत है क्या, नहीं है ना, क्यों क्यों, क्या बोले फिर से बोलो. अन अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, या फिर ये तो आपका सही है, मैं इस पे, ये तो आपने बोला, मैं इसको और एक्सटेंड करता हूं. एक्सटेंशन में ये है
कि एक चीज आपने नोटिस नहीं की, एक्सपेंडिचर बढ़ाने से इनकम प्रॉफिट कम हो जाता है, एक्सपेंडिचर बढ़ाने से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होता तो टैक्स बढ़ेगा कि कम होगा? टैक्स कम करने के लिए लोग जबरदस्ती एक्सपेंडिचर भी तो मार सकते हैं, नहीं मार सकते क्या? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स, समझे आप भैया? प्रॉफिट कम करना था, जबरदस्ती एक्सपेंडिचर मार दिया, समझ रहे? तो ये काम एक और हो सकता है, और उसका वही अगेन कोई खर्चा किया, आप उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, या एक्सप्लेनेशन दे रहे इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी, तो कुछ नहीं, जो खर्चा आपने किया है जो उसको क्या पकड़ेंगे? इनकम में डाल देंगे, और क्या, सिंपल सी बात है, ठीक है? चलिए, ये तो ये हो गया। हाँ, एक अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी। हुंडी पता है क्या होता है? पहले ये होता, एक तरह का, और ब्याज तो इंटरेस्ट होता है वे, क्या होता है ऐसा नहीं, कच्चा ही रहता है क्या? पक्का भी होता है, किसने बोला कच्चा रहता है? सब चोरी चपाटी की बातें करते हैं, कौन बोलता है अनऑर्गेनाइज्ड है हुंडी? नहीं, 50 पैसे का हुंडी का स्टैम्प पेपर आज भी मिलता है, कौन बोलता है अनऑर्गेनाइज्ड है हुंडी? किसने बोला बंद कर दिया? कितने होना, अरे नहीं ऑर्गेनाइज्ड है भैया, चेक से पेमेंट होता है, चेक से पैसा आता है, किसने बोला अनऑर्गेनाइज्ड है? बिल्कुल लेटर, नहीं नहीं बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, गलतफहमी में हो आप। हुंडी यानी कच्चा ट्रांजैक्शन, ना कच्चा भी है लेकिन पक्का भी है, ऐसा थोड़ी है। 50 पैसे का हुंडी का आज भी स्टैम्प पेपर है, बकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर लिख कर दिया जाता है, बंद कुछ नहीं हुआ, अभी भी है। कितने होना बताना मेरे को, दे दूंगा लाके, बिल्कुल मिलता है, 50 पैसे के हिसाब से पैसे देते रहो। हुंडी का मतलब होता है लोन ट्रांजेक्शन्स, अगर हिंदी में बोलूँ तो, लोन 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 समझता, उधार उधार। आपको पैसे की जरूरत है, मेरे पास पैसे हैं, आपने बोला सर 5 लाख की जरूरत है, दे दीजिए। मैं बोला ठीक है, कब दोगे बेटा? आपने बोला सर 3 महीने में लौटा दोगे। ठीक है, मैंने आपको 5 लाख रुपये दे दिए हुंडी पे, हुंडी पे मतलब ब्याज पे। भैया आप मुझे 3 महीने दिए, हमने तय किया 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट, यानी 3 महीने का कितना हुआ? 3%। नहीं समझ रहे, तो 5 लाख का 3% बताओ, 15,000। यार कमाल हो गया यार, मैथ्स पढ़ाए मिटकरी सर ने, और ऐसा कर रहे हैं आप, उनका नाम डुबाओगे। 15,000 रुपया इंटरेस्ट हुआ, ये 3 महीने का इंटरेस्ट आपने मुझे पे कर दिया और मैंने आपको 5 लाख दे दिया। अगले बार आप क्या करोगे, वो 3 महीने जैसे ही हो जाएंगे, आप अपने 5 लाख मुझे वापस कर दोगे, मेरे 5 लाख सॉरी मुझे वापस कर दोगे। और अगर आप और कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसका एक नाम है, मैंने फाउंडेशन में पढ़ाया था, बदला याद है, BCK में पढ़ा था, कैरी फॉरवर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसको मैं और कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, इसे बदला कहते हैं। आप आ गए 3 महीने बाद, सर अभी तो पैसे नहीं है, और 3 महीने की बढ़ा दो एक्सटेंशन, ठीक है ब्याज दे दे और 15,000 और 3 महीना और आगे ले ले, ऐसा दिस इज कॉल्ड एस हुंडी ट्रांजेक्शन। समझ आई बात, ब्याज पे ले रहे, समझे क्या? ठीक, अभी देखो यहां क्या लिखा है, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, किसके लिए है ये? मैंने आपको पैसे दिए, बोरोर कौन है? आप। बोरो किसने किया? आपने। अमाउंट बोरोड आप, रिपे कौन करेगा? आप। यानी मेरे लिए नहीं है ये सेक्शन, चीज समझ लेना, ये उस इंसान के लिए है जो अमाउंट हुंडी पे बोरो करता है और रिपे, ऑब्वियसली बोरोवर ही रिपे करेगा ना यार, कम ऑन है आकि ना, बोरोवर ही रिपे करेगा ना। वेर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन हुंडी और एनी अमाउंट ड्यू, अब जब ड्यू आती है तो पैसे देने पड़ेंगे, रिपेड ऑन हुंडी अदर देन थ्रू अकाउंट पे चेक और ड्रॉन ऑन बैंक, द अमाउंट सो बोरोड और रिपेड शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ पर्सन बोरोइंग और रिपेइंग फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट सो बोरोड रिपेड एज द केस में भी। सर कुछ नहीं समझा, समझा क्या? क्या हो गया? हाँ ऐसा क्यों सर, अब ऐसा क्यों वो जाने दो, हमने बोला यानी ठीक है, समझना बात, कहानी समझो। मैंने आपको चेक दिया कितने का? 5 लाख रुपए का। अब बोरोर कौन है? आपने बोरो किया, ठीक है,
रिपे किस कौन करेगा? हाँ, जब रिपेमेंट की बारी है, आप बोलते हम कैश में वापस देते सर पैसे। मैं बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है, मैंने तो कैश ले लिया, बैंड किसकी बजेंगी? ये सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन का नाम है 69D। ये कहता है, क्या कहता है, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड, कितना अमाउंट बोरो किया? 5 लाख। काय पे किया? हुंडी पे। और एनी अमाउंट इज ड्यू, कितना अमाउंट ड्यू है आपको देना? 5 लाख। देयर ऑन इज रिपेड, जो आपने अमाउंट बोरो किया था और जो अमाउंट ड्यू है उसको आप रिपे कर रहे हो, अदरवाइज देन अकाउंट पे ही चेक, यानी चेक से रिपे नहीं कर रहे, मतलब कैश में रिपे कर रहे। द अमाउंट सो बोरोड और रिपेड, जो आपने बोरो किया रिपे किया, शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द पर्सन बोरोइंग, कौन कर रहा बोरो? आप। और रिपे, और रिपिंग, रिपे कौन कर रहा? आप, फॉर प्रीवियस ईयर इन विच द सच अमाउंट वॉज बोरोड और रिपेड एज द केस में भी। अभी समझा क्या भैया? कुछ नहीं, आपने भले ही, आप कितने भी ईमानदार हो हमको मत मालूम नहीं, आप ईमानदार हो तो चेक से कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है, मना थोड़ी कर रहे हम। हुंडी इलीगल नहीं है, चेक से करो तो कोई वो तकलीफ नहीं, कहाँ लिखा है? अदरवाइज देन अकाउंट पे चेक से अगर आप करते हो तो फिर सब, फिर भी कुछ नहीं, इलीगल भी नहीं है, हमारे को टैक्स दे दो, काम खत्म, हमको प्रॉब्लम नहीं, इसको इनकम में छोड़ दो। पता ही नहीं चलेगा, फिर तो काम ही खत्म हो गया। उसने कैश दिया तो आप तो कैश ही दोगे ना वापस, वो लेगा ही नहीं पैसे, फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा, उसकी इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगा, वो लेगा ही नहीं। व्हाइट मनी कैश में नहीं दी जाती, व्हाइट मनी बैंक के थ्रू ही दी जाती है। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट या बहुत एक्सेप्शनल केस बोल रहे हो, यानी आप पता है क्या बोल रहे हो, अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है आज? जो बाइडेन, कल नरेंद्र मोदी रहेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट, आप ये इतनी अनएक्सेप्शनल बात कर रहे हो, हो सकता है। हाँ, आप ये बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप कल फिर से बन जाएगा, तो ये एक बार का थोड़ा सा मैं सोच सकता हूं, नरेंद्र मोदी कैसे बनेगा भाई, बहुत अनएक्सपेक्टेड बात कर रहे हैं, हो सकता है ना, मेरे पास कैश में वाइट मनी हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा रेयर है, हो सकता है फिर, लेकिन फिर भी आपने बैगेज में दिया, लेकिन जो रिपेमेंट है चेक में होना चाहिए। तो बैंड आपकी नहीं बजेंगी, देने वाले की बैंड नहीं बज रही, या लेने वाले की बैंड बजाया जा रहा है। देखो, बोरोवर कौन? लेने वाला। रिपे कौन करेगा? लेने वाला, ऑब्वियसली। तो दो ही तो वर्ड लिखे हैं यार यहाँ पे, एक दो पर्सन बोरोइंग और रिपेइंग, तो दोनों एक ही है ना यार, कम ऑन, जो बोरो कर रहा वो रिपे कर रहा ना, नहीं क्या? तो बोला है ना यहाँ पे, ये देखिए ना, लेकिन नहीं नहीं उसके उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अगर आपने रीपेमेंट चेक के अलावा किया तो आप उसको प्रूफ दो, कुछ भी दो, उससे मतलब नहीं है। सेक्शन के अंदर ये लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि भैया एक्सप्लेनेशन, देखो एक सेकंड, एक मिनट, हाँ ये जो आप पढ़ते हो ना एक्सप्लेनेशन ऑफ सोर्स, देख भैया मेरी वाइट मनी है मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा, नहीं नहीं उससे कोई मतलब नहीं है बेटा, वो यहीं तक था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहां पे तुमको रिपे चेक में करना है, करो तो अच्छी बात, नहीं तो इनकम में जोड़ दिया जाएगा। तुम कितना भी चीख चीख के एक्सप्लेनेशन दे दो, वो एक्सप्लेनेशन की बातें यहीं तक लिखी हुई है, यहां कहां लिखा है कि अगर एक्सप्लेनेशन दे दिया तो मान लेंगे या सेटिस्फैक्टरी दिया तो, कहीं नहीं लिखा है, बस बात करता हूं। आप कुछ भी एक्सप्लेनेशन दो ना, कौन सुन रहा? टैक्स समझा नहीं मैं, देखो बेटा इनकम टैक्स में हर चीज तभी होंगी जब वो पता चलेगा, ये मैं पहले दिन बोला, सर आपने कुछ नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया, मेरा पैन नंबर भी नहीं है तो क्या पता चलेगा? हो ना बेटा, वो तो मैं मानता ना, मैं तो अभी भी कह रहा ना, घोड़े रेस में पैसे लगाओ, जीत लो और चुपचाप बैठे रहो, 10 साल 20 साल पता ही नहीं चला, कई बार ऐसा होता है पता नहीं चलता है, अरे होता है ना, तो नहीं चला तो नहीं चला, अब उसमें क्या कर सकते, ये सब कुछ तभी होगा जब पता चलेगा, ये समझ लेना बात। और मैं ये पढ़ा रहा हूं कि हम एकदम ईमानदार हैं,
सब लोग देश के बहुत ईमानदार अच्छे सज्जन नागरिक है, मैं उस हिसाब से टैक्स पढ़ा रहा हूं, ये समझ लेना। चोरी चपाटी वाली बातें नहीं करना, पता नहीं चला तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो सकता। हाँ हाँ तो बोल रहा ना, तो 10 साल तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ हाँ तो अब 10 साल हो गया ना, लेकिन आने वाला। हाँ नहीं मैं तो बोल ही रहा ना, 6 साल एक्चुअली वो अलग सेक्शन है, सेक्शन 140 के आगे वाले सेक्शन से, वो तो अभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो अभी आप बहुत बेसिक लेवल पे, वो सीए फाइनल के अंदर है। तो मैं बोल ही रहा ना अभी आपको, 6 साल निकल गए और उसके बाद जाके दिखाना, ये देख कमाया था सोना, अब बता ले क्या कर लेगा तू, कुछ नहीं कर सकता वो, बैठ बज गई। नहीं अमेंडमेंट कैसे होता है उस पर डिपेंड है, अमेंडमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट और एक होता है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव किया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव किया तो फिर जिसने अगर चिल्लाया ना देख सोना, तो आएगा बराबर आपके और पकड़ चल आ बोले अब तू, ऐसा हो सकता है, इसलिए कोई चिल्लाता नहीं है ऐसा, देख मेरे पास सोना है ऐसा। लेकिन है अगर उसके बाद आपने बता भी दिया, और स्क्रूटनी का भी एक लिमिट है, 3 साल तक ही आ सकती है, लेकिन खोद पूरा 6 साल का सकते हैं वो। ये स्क्रूटी मान लीजिए 1 साल की आती है, लेकिन उसकी एक डेट लिमिट है, अगर वो डेट के बाद में वो नोटिस लेके आता है ना, तो उस नोटिस को फाड़ के उसके मुंह पे भी फेंक दिए तो कुछ नहीं कर सकता, एक डेट रहती है, वो फिर कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें सीए फाइनल की है, अभी तो आपने पहला चैप्टर पार नहीं किया और आप फाइनल की बात कर रहे, कोई मतलब नहीं ना वो बात करके, सही है नहीं है। चलो आगे, बोरोअर और रिपीट दोनों अलग, यस देयर कैन बी बोरोअर, इसीलिए यहाँ पे बोरोअर रिपीट दोनों डाला है, तो पिताजी ने बोरो किया बेटा रिपे कर रहा है, लोग तो बच जाएंगे फिर ऐसे ट्रांजेक्शन में। अगर सिर्फ बोरोअर लिखते हैं तो पिताजी क्या करते, एक काम कर रिपे मेरा बेटा किया, भैया तुमने रिपेट कब कहाँ लिखा है यहाँ पे, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए दोनों का नाम लिख दिया। अब तीसरा तो कोई हो नहीं सकता, बोरोअर रिपे, ठीक है, देयर कैन बी केस, यस डेफिनेटली। और बोलो, अब एक सेक्शन 115 बीबीई है, इसके ऊपर मैं अभी नहीं जाऊंगा, ये बताता क्या बताता मैं पढ़ लेता हूँ। प्रोवाइड्स द रेट एट विच सच कैश क्रेडिट अनडिस्क्लोज्ड इनकम अनडिस्क्लोज्ड एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा एज डीम्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 68 एंड 69 और 69 ए बी सी डी वुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स, मतलब इन पे कितना टैक्स लगेगा, लगता 60% है ये बता देता हूँ, लेकिन ये कहाँ लिखा है कितना लगेगा, सेक्शन 115 बीबीई में लिखा हुआ है। बात समझ में आई क्या, ये क्लियर है बेटा इतनी चीजें। अब मैं आ रहा हूं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन किस चीज का, क्या पता सर नहीं पता हमारे को, किस चीज का एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं मैं, कम ऑन यार बोलो ना, कौन से रूल का एक्सेप्शन पढ़ो, जनरल रूल क्या है, कम ऑन पढ़ो 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 पढ़ो, ये सही है जनरल रूल, सही है क्या जनरल रूल, सहमत हो आप लोग मेरी बात से, हाँ ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, असेसमेंट ईयर तक की राह देख नहीं देखेंगे, इसी साल तेल से टैक्स ले लेंगे, ऐसा कब हो सकता है, नहीं बहुत बहुत इसमें 5 केस है समझ लेना, एक से बहुत सारा टैक्स ऐसा नहीं होता, 5 केसेस है। पहला है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट, सेकेंड है पर्सन लिविंग इंडिया, थर्ड है एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूरिस्डिकल पर्सन फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, और लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये 5 ऐसे एक्सेप्शन है, यानी 5 सिचुएशन के अंदर आपका बेसिक रूल नहीं बैठेगा, यानी क्या बैठेगा फिर, प्रीवियस ईयर के अंदर जो इनकम कमाई उसका असेसमेंट भी उसी ईयर में कर डालेंगे। नहीं तो जनरली क्या होता है, मान लीजिए प्रीवियस ईयर 1920 है तो असेसमेंट ईयर क्या बनता है, और ये 5 एक्सेप्शन में पता है क्या रहेगा, प्रीवियस ईयर भी ये रहेगा असेसमेंट ईयर भी ये रहेगा। अभी समझे क्या, अरे समझे क्या,
इनकम ऑफ असेसी फॉर प्रीवियस ईयर इज चार्ज टू इनकम टैक्स इन असेसमेंट ईयर फॉलोइंग द प्रीवियस ईयर. फॉर इंस्टेंस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 2021 इज असेस्ड इन 2022, देयरफॉर 2022 इज द असेसमेंट ईयर फॉर द असेसमेंट ऑफ इनकम इन द प्रीवियस ईयर 2021. आई होप समझ में आया. सीधी सी बात है, पहले से पढ़ा चुका है, ठीक है. However, in few cases, this rule does not apply and income is taxed in previous year in which it is earned. यानी बेटा अगर तूने 1920 में कमाई ना तो हम टैक्स भी 1920 में ही ले लेंगे, हम असेसमेंट ईयर तक का रास्ता नहीं देखेंगे. समझा गया? अरे समझा क्या? तो कौन से केसेस है वो सर, हमको बताइए ना सर. देर आर एक्सेप्शन दैट. और ये क्यों बनाए, किसके लिए, क्या ये डिपार्टमेंट ने खुद के प्रोटेक्शन के लिए बनाया कि एसएससी के प्रोटेक्शन के लिए? खुद के भैया, हमारा टैक्स कहीं चला ना जाए, इतनी राह नहीं देखेंगे, अभी पैसे ला दे हमारे को. अरे आपने मान लो किसी को उधार दिया और वो चार, आपने समझ लो आपने इनको उधार दिया 500 रुपए और ये बोले कल दे दूंगी और ये 3 दिन तक नहीं आए, तो आपका बीपी ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा? क्लास ही नहीं आई है, आप बोलोगे अरे बाप रे कमाल, इनको फ़ोन लगाओगे, क्या नंबर ढूंढोगे, फिर ये बोलेंगे मैं अभी देखो कब आऊँ पता नहीं मेरे को भी ऐसा, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा बता तू कहाँ पे है, मैं आके लेकर जाती हूँ, ऐसा बोलोगे नहीं भाई? वैसे ही गवर्नमेंट, भैया तू हमको नहीं पता, तू हमारे को पहले दे दे और फिर तेको जो करना है करता, हमारे को पहले दे दे मतलब ऐसे कुछ केसेस है. देर आर एक्सेप्शन, देर आर 5 एक्सेप्शन. पहला एक्सेप्शन, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. व्हाट डू यू मीन बाय शिपिंग बिजनेस? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन बाय शिप. शिप से ट्रांसपोर्टेशन होता कि नहीं होता? होता है. चलिए कम ऑन, एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेंगे. एग्जाम्पल, ये बहुत बड़े एक्सपोर्टर है, बहुत बड़े एक्सपोर्टर है और मेरा शिपिंग कॉरपोरेशन है, मैं जहाज मतलब मेरा ट्रांसपोर्ट करता हूँ, तो इनकी हमारी डीलिंग रहती है हमेशा. ये 1 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मुझे पे करते हैं कि ये मेरे गुड्स जो है वहां ले जाना, ठीक है. और मैं आदमी इंडिया का नहीं हूं, मैं नॉन रेसिडेंट हूं, मेरी कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, समझना बात. मैं बाहर का हूं, मैं नॉन रेसिडेंट हूं, लेकिन मेरे शिप पूरे वर्ल्ड में चलते हैं, ठीक है. बाहर ही बैठा हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं समझ लो. मेरी कंपनी है, ये मुझसे हमेशा डील करते रहते, इन्होंने 1 करोड़ रुपए मुझे दिए, मेरा गुड्स अमेरिका पहुंचा देना वाला, ठीक है पहुंचा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हमारा धंधा ही है, ठीक है. इन्होंने मुझे 1 करोड़ रुपए दिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं, आई एम नॉन रेसिडेंट, मैं इंडिया में नहीं हूं, क्या इस इनकम पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स ले सकती है क्या? हाँ ले सकती, वैसे तो ये ले सकती कि नहीं, ये बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं, तो अभी आपकी जानकारी के लिए बता दो, हाल मिलेगा. भैया तुमने भारत की धरती पे कुछ भी किया, भारत की हिंदुस्तान की धरती पे कुछ भी किया, तुम कोई भी हो, फिर तुम डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना हो, हमको टैक्स चाहिए. हमारे यहां पे मिला ना तुमको तो हमको भी चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है. लेकिन वो जहाज अभी जा रहा है, भर रहा है, मुझे ऑस्ट्रेलिया फोन करते रहे, भैया वो तुम्हारा जहाज भर रहा है वो टैक्स, एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा होता नहीं है एग्जाम्पल, मैं बोलता हूं अभी तो जहाज भर रहा है, अभी तो प्रीवियस ईयर चालू है, आना ना अगले साल टैक्स लेने, दूंगा ना असेसमेंट ईयर में, तुम्हारे को असेसमेंट ईयर में दूंगा, आप ही का तो रूल है. मैं उनको इनकम टैक्स एक्ट वाले इनकम टैक्स ऑफिसर को मैं कहता हूँ, अरे भैया तुमने ही रूल बनाया ना, प्रीवियस ईयर में इनकम करो, असेसमेंट ईयर में टैक्स दो, तो ठीक है ना, तो अभी तो प्रीवियस ईयर चालू है ना, समझ रहे? अब असेसिंग ऑफिसर का बीपी बढ़ रहा है, ये साला अगर अपनी जहाज लेके निकल गया और फिर वापस ही नहीं आया तो ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता? नॉन रेसिडेंट है ना वो, और जहाज अभी है, एक बार जहाज लेके निकल गए इंटरनेशनल वाटर में चले गए तो हम क्या बिगाड़ लेंगे उसका? अरे हाँ कि ना, जिसकी इंडिया में प्रॉपर्टी है नीरव मोदी, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो वो तो जहाज भी अपना लेके जा रहा, तो उसका क्या बिगाड़ेंगे? शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट. जो भी ऐसा नॉन रेसिडेंट आदमी और उसका शिपिंग बिजनेस है, ए भैया जैसे ही पैसे आए ना उसी वक्त तेरा असेसमेंट होगा, हमको पैसे चाहिए, हमको नहीं पता, रूल में डाल दिया. अब वो मैं वहां से फोन करके बोलूँ, अरे भैया तुम तो बोलते ना प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में, वो हमने अभी लॉ में अमेंडमेंट कर दिया, क्या एक्सेप्शंस डाला कि अगर किसी नॉन रेसिडेंट इंसान का शिपिंग बिजनेस है तो उसकी इनकम का असेसमेंट इसी साल होगा, प्रीवियस ईयर में होगा, हम असेसमेंट ईयर तक का रास्ता नहीं देख सकते, हमको नहीं पता, हमको चाहिए चाहिए, तो ठीक है लेना पड़ेगा. पढ़ो इसको, पढ़ो जल्दी जल्दी पढ़ो.
अरे तो यार पैसे ट्रांसफर वो इसको पकड़ेगा ना, या मेरे मैनेजर को पकड़ेगा ना कि भैया वो पहले पैसे दे बाद में आगे का काम, नहीं तो तेरी जहाज कब्जे में। सीधी बात। देयर अ शिप बिलोंगिंग टू और चार्टर्ड बाय नॉन रेजिडेंट, यानी मेरी है, मैं नॉन रेसिडेंट हूँ या मैं उसको चला रहा हूँ या मेरी खुद की है, कैरीज पैसेंजर्स लाइव स्टॉक मेल गुड्स कुछ भी आप कैरी करो एट पोर्ट इन इंडिया, हिंदुस्तान के पोर्ट से उठा के ले जा रहे ना, मतलब हमको भी चाहिए। द शिप इज अलाउड टू लीव, तुमको जाने तभी देंगे। अरे भैया जेल में बिठा के रखेंगे तो कोई भी पैसे देगा ना, तुमको जाने ही नहीं देंगे हम, तुमको जाने तभी देंगे व्हेन द टैक्स हैज बीन पेड और सेटिस्फैक्ट्री। अच्छा अभी नहीं है तो अरेंजमेंट करके जाओ भैया, व्हेन सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट हैज बीन मेड फॉर द पेमेंट। आपने इनको 500 दिए थे ना, 3 दिन आए नहीं, इनके अपने कान की बाली निकाल के आपको दे दी कि भाई नहीं अगर आओ तो बेच देना चाह, सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट करके जा रही है ये, समझ रहे? नहीं समझ रहा मैं, या तो अभी नहीं दे रहा, अभी अभी दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर अभी देने को नहीं है पैसे तो आप अरेंजमेंट कर दो, मैं लिख कर दे देता हूँ कि ये भाई साहब जिन्होंने मुझे 1 करोड़ दिया ये टैक्स दे देंगे मेरे बिहाफ में, और ये भाई साहब एसएससी ऑफिसर के सामने अगर एग्री कर देते हाँ मैं दे दूंगा जान दो उसको, होटल में कई बार खाना खाते ना, अरे इसका बिल मैं दे दूंगा जाने दो इसको, पैसे नहीं दिया जो खाना खा के गया, लेकिन उससे सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट करके गया पैसे देने के लिए, तो भी गवर्नमेंट को चलेगा। बाद में फिर बैंड किसकी बजेंगी अगर नहीं दिया तो? तूने गारंटी ली ना रे, मालूम है ना गारंटी का, जो गारंटी लेता है उसकी बैंड बजती है, मालूम है ना ये चीज, इसलिए कभी जीवन में गारंटी नहीं लेना, समझ रहे बेटा? गारंटी नहीं लेना, ठीक है, क्लियर है? अब टैक्स कितना है पता है इस पे? सिर्फ 7.5% ही है। खैर मैं अभी टैक्स रेट पे नहीं आ रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, टैक्स कितना है 7.5%, 7.5% ऑफ द फ्रेट पेड और पेबल टू द ओनर, कितना दे रहा था ये मुझे 1 करोड़, 7.5% कितना 7.5 लाख, सिंपल। और ऑन दिस या वेदर इन इंडिया और आउटसाइड ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ सच केस डीम टू बी द इनकम विच इज चार्ज टू टैक्स इन द सेम ईयर, ठीक है खत्म, समझ आया ये कहानी? अरे हाँ ना बोलो ना यार, ठीक है। दूसरा विजय माल्या लिख दो, सही में यहाँ लिख दो विजय माल्या, इमीजिएट समझ जाएगा जी, हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा है तू तो भैया पहले हिसाब करके जा, बाद में तेरे को जहां जाना है शौक से जा, ठीक है। वेन इट अपियर्स टू एसएससी, कितने प्यारे शब्द लिखे, बहुत अच्छे शब्द है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं शब्द। वेन इट अपियर्स टू एसएससी ऑफिसर, उसको ऐसा लगता है कि दैट एनी इंडिविजुअल मे लिव इंडिया, वो भाग सकता है ड्यूरिंग द करेंट असेसमेंट ईयर और शॉर्टली आफ्टर इज एक्सपायरी, सॉरी ड्यूरिंग द करेंट प्रीवियस ईयर होना चाहिए, एक सेकेंड, इसको थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, हाँ सॉरी, ये करेंट प्रीवियस ईयर करो बेटा, इसको प्रीवियस या फाइनेंशियल जो लिखना है लिख सकते, करेंट फाइनेंशियल ईयर या शॉर्टली आफ्टर इट्स एक्सपायरी, ही हैज नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग टू इंडिया, समझ गए क्या? मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, मैं इनको देख रहा, ये बाहर जाने की फिराक में है, मुझे पता चल जाता है सोर्सेस से, इसने बहुत कर्जा लिया है, बहुत पैसे भी कमाए हैं, बाहर जाने की फिराक में, और इसका कोई इंटेंशन नहीं वापस यहाँ आने का, सब प्रॉपर्टी अपनी बेचते जा रहा है, तो मुझे दाल में कुछ काला दिखा, तो मैं क्या करूँगा इसको जाने के? ए भाई तू रुक, कहाँ जा रहा तू? मैं जा रहा भैया वापस आऊँगा ना, आके देता हूँ ना। नहीं नहीं तू आके मत दे, तेरे देने की नहीं है तेरा, तू अभी दे के चले जा, समझ आई बात? अरे हाँ कि ना, द टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल फॉर द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ रिस्पेक्टिव प्रीवियस ईयर अप टू प्रोबेबल डेट ऑफ इज डिपार्चर फ्रॉम इंडिया इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। हो सकता है असेसिंग ऑफिसर यहाँ गलत हो जाए, समझे आप? चार्जेबल टैक्स दैट असेसमेंट ईयर नहीं, सॉरी दैट प्रीवियस ईयर, अगेन दोनों जगह गलती हुई, ठीक है। अब समझना, ये भाई साहब अपन डेट से बात करते, चलो डेट लेके बात करते, वैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया लेकिन मैं और डेट लूंगा। ये मेरी टाइमलाइन है 1/4/2020 से 31/3/2021, ठीक है, 31 जुलाई 2020 तक ये साहब ने 10 करोड़ रुपए कमाए, ठीक है। अब हमको ऐसा लगता है, हम यानी डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि भैया ये और इस तारीख को ये देश छोड़ के जा रहा है, ये चीख चीख के बोल रहा है अरे भाई मैं वापस आ रहा हूँ, ये देख मेरी रिटर्न टिकट, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं है। रिटर्न टिकट होना मतलब जरूरी थोड़ी फ्लाइट बोर्ड करेगा, तू कैंसिल भी तो करा सकता है। देख भाई हमको विश्वास नहीं है, तू हमको हिसाब कर दे,
तो ये मुझे पूछते, देखो भैया अभी तक मैंने तो 10 करोड़ ही कमाए, साल भर का हिसाब तो हो नहीं सकता ना, अब आगे कितने कमाऊंगा क्या पता। कोई बात नहीं भाई, तू अभी तक का हिसाब करके चले जा, हमको ये 10 करोड़ पे तू 30% मान लो टैक्स है, इतना दे दे 3 करोड़ और निकल यहां से। समझ भाई बात, समझना ये प्रीवियस ईयर का इसी साल असेसमेंट हो गया। अब प्रीवियस ईयर कहां से कहां तक है, ये तारीख से ये तारीख तक बना फिलहाल, अब ये चला गया, लेकिन ये जो बोल रहा था वो सही हो गया, सही में बेचारा 31 अगस्त को आ गया, वापस आ गया ये। अब अगेन पैसा कमाना चालू किया यहाँ पे इंडिया में, यहां से यहां तक कमाया 20 करोड़ कमाए। अब इस पीरियड का असेसमेंट ईयर कौन सा, यही साल की अगला साल, ऑब्वियसली अगला साल भागा थोड़ी है भैया, असेसिंग ऑफिसर की गलती हो गई थी भैया, उसका इंटेंशन नहीं था लेकिन उसको लग रहा। अब किसी को कुछ भी सोचना है तो कोई क्या कर सकता है, नहीं समझे बात। इस पीरियड का फिर असेसमेंट हो जाएगा 21-22 ना, इसका असेसमेंट। अब डबल असेसमेंट करेंगे क्या, पूरा यहां से यहां तक थोड़ी करेंगे, दो बार टैक्स देंगे क्या बेचारा, समझे नहीं समझे। ऐसा सपोज मिस्टर एक्स इज लिविंग इंडिया फॉर यूएसए ऑन 10/6/2020 एंड इट अपियर्स टू असेसिंग ऑफिसर दैट ही हैज नो इंटेंशन टू रिटर्न, जा रहा है हमेशा के लिए। बिफोर लिविंग इंडिया मिस्टर एक्स मे बी आस्क्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 एज वेल एज ऑन टोटल इनकम। अरे 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 एक सेकेंड यह सही था, यहाँ एग्जाम्पल अलग तरीके से लिखा है, ओह काटो मत इसको, रहने दो, अलग तरीके से लिखा है, सही लिखा है, ठीक है काटो मत, समझो। इधर देखो 1/4/19, क्योंकि ये एग्जाम्पल जिस तरीके से लिखा उस तरीके से ही है, ठीक है तो ये सही है। 1/4/19 से 31/3/2020 ये क्या है हमारा प्रीवियस ईयर, या मैं इसको फाइनेंशियल ईयर कहता हूं बेटा। इसका असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ, मतलब 1/4/20 से 21, ठीक है ये असेसमेंट ईयर हुआ ना। इस डेट का आपको टैक्स कब तक भरना है, मैंने एक डेट बताई थी आपको 31 जुलाई, ये तारीख तक असेसमेंट करके दे दो। अब ये तारीख के पहले मैं इस तारीख को बाहर जा रहा हूं, ये तारीख किस में आ रही, फाइनेंशियल ईयर में आ रही कि असेसमेंट ईयर में आ रही, देख लो आप ही बताओ। असेसमेंट ईयर, इसीलिए यहां वर्ड असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है, समझ आई बात। असेसमेंट ईयर की ये तारीख को, अभी मैंने ये साल का भी टैक्स नहीं दिया है, समझना बात, मैंने ये साल का टैक्स नहीं दिया है क्योंकि अभी टाइम है, मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन अब मैं जा रहा हूं और असेसिंग ऑफिसर को लग रहा है अभी ये वापस आता दिखता नहीं, तो भैया ये साल का तो टैक्स हम तेर से लेंगे ही, उसकी तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि असेसमेंट ईयर तो आ चुका है, लेकिन ये 10/6/2020 मतलब 1/4/2020 से 10/6/2020 तक ये प्रीवियस ईयर में जो तूने पैसे कमाए ना बेटा, ये प्रीवियस ईयर में इसी असेसमेंट ईयर में, ये असेसमेंट ईयर में हमको पैसे दे दे, अगले साल तक नहीं रुक रहे हम, इसी साल पैसे चाहिए, इन्हें हिसाब करके जाओ। अरे समझा क्या, इसी साल इसी असेसमेंट ईयर, हाँ एक तरह से आप बोल सकते इसी प्रीवियस ईयर में, या आप बोल सकते ये असेसमेंट ईयर में, दोनों, हर प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर भी है और हर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर भी है, वो वाली बात आ गई यहाँ, क्योंकि ऊपर हम जिस असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं ये यहाँ पे उसी असेसमेंट ईयर को हम चला रहे हैं वापस, इसी साल ले लेंगे, मतलब असेसमेंट कर डालें। लॉ के वर्डिंग्स थोड़े या हाँ लॉ के वर्डिंग्स कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। आर्टिफिशियल एओपी बीओआई आर्टिफिशियल ज्यूडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर पर्टिकुलर इवेंट, अब ये भी आपको समझाता हूं। बाबा रामदेव योगा करते हैं, मालूम है ना, अब बाबा रामदेव नागपुर में एक योगा शिविर लगा रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, नागपुर का कस्तूरचंद पार्क हायर किया, नहीं कस्तूरचंद पार्क और बड़ा कोई ग्राउंड है क्या, जो भी
ऋषम बाग हायर किया पूरा। और अब ये करेगा कौन? कुछ पर्सन आपस में मिले, कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ पर्सन। पर्सन आपको पता है क्या होता है, पर्सन में भी इंडिविजुअल, HUF, AOP भी मालूम है, और कुछ इंडिविजुअल्स मिले, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनी या कुछ भी बना, तो आयोजन समिति, वो एक वर्ड सुना होगा आयोजन समिति। तो ऐसे ही इंडिविजुअल्स मिले, एक बॉडी बनाई, अब वो बाबा रामदेव ने 20 दिन बढ़िया योगा सिखाया, करोड़ों रुपए आए। ऑब्वियसली एक एक टिकट करोड़, हजारों रुपए की रहती है, तो टोटल थे 1,000-2,000 लोग, तो करोड़ों रुपए आए, लोगों ने एडवर्टाइजमेंट भी किया। अरे होता है कि नहीं होता ऐसा? तो वो पैसे कमाए, अब वो आयोजन समिति को उस पर टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? हाँ। तो ये आयोजन समिति कितने दिन के लिए बनी थी? बस वो 20 दिन के लिए बनी थी। 1-4 को मान लो योगा शिविर स्टार्ट हुआ, और 1-4 से वो आयोजन समिति बनी थी, 20 अप्रैल को वो खत्म हो गई आयोजन समिति। तो क्या लगता है गवर्नमेंट रुकेगी अगले साल तक टैक्स के लिए? ना, अगले साल तो तुम वापस अलग अलग हो जाओगे रे। आयोजन समिति गई, बाबा रामदेव गए, आयोजन समिति गई। नहीं भैया, देखो तुम्हारी आयोजन समिति बनी ना, और ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए बनी थी ना, इवेंट हो गया ना, पैसे आ गए ना, तो हमारा भी हिसाब कर दो ना भैया, हमको भी दे दो, वो अगले साल तक नहीं रुकेंगे हम, इसी साल हिसाब करो बोलते। समझे क्या? पक्का बोर हो रहा क्या? बोर हो रहा नहीं? ठीक है, आज हो सकता है थोड़ा बोर हो जाए, वो भी सिर्फ यहाँ तक, बस डिसकंटिन्यूड बिजनेस तक, बस इसके बाद पूरे टैक्स में बोर नहीं है, थोड़ा अगर हो भी रहा होगा तो। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। मेरे पास टैक्स लायबिलिटी आने वाली है, ये मुझे पता है, मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन एक प्रॉपर्टी है, मेरी इच्छा नहीं है गवर्नमेंट को टैक्स देने की, मेरा मन नहीं है, और वो प्रॉपर्टी में बेच के पैसे लेके भागने वाला भागू, या कहीं भी चले जाऊं, नहीं दू टैक्स। ऐसे केसेस पे गवर्नमेंट आपको प्रॉपर्टी बेचने देंगी क्या? क्या लगता है? पहले हमारे को टैक्स दे दो ड्यूरिंग द करेंट असेसमेंट ईयर, अगेन 1-4-2020, 31-3, नहीं सॉरी 1-4-2019 पकड़ता हूँ, ठीक है, 1-4-19 से दिख रहा है ना, 31-3-20, ये समझ लीजिए फाइनेंशियल ईयर है, इसका असेसमेंट ईयर हुआ 2020-21, बराबर है। इस असेसमेंट ईयर में, अब इस फाइनेंशियल ईयर में जो कमाया उसका टैक्स मुझे यहाँ भरना है, लेकिन टैक्स भरना नहीं चाहता मैं, इसलिए मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच के धड़ धड़ पैसे जमा करके पैसे ट्रांसफर करने की फिराक में उस स्विस बैंक में। स्विस बैंक से पैसे ला सकती क्या हमारी गवर्नमेंट? लाती तो अब तक ला लेती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बिगाड़ लेंगी, इंडिया में जो पैसे हैं वो ले लेंगी मेरे, मैं इंडिया के पैसे ही बाहर भेज रहा ना, सारी प्रॉपर्टी बेच डाली, बीवी का मंगलसूत्र और बर्तन छोड़ के बाकी मैंने सब बेच दिया। बीवी का मंगलसूत्र नहीं बेच सकते इनकम टैक्स वाले, मजाक नहीं। मान लीजिए अगर 2 करोड़ की लाइबिलिटी है इनकम टैक्स की, और आपके पास कुछ नहीं है, बस गले में मंगलसूत्र है, वो 2 करोड़ का ही है, जस्ट इमेजिन, उसको हाथ नहीं लगा सकते, सुहाग का सफार और बर्तन इस पे हाथ नहीं डाला जा सकता, लिखा है, लिखा है लॉ में, ये भी लिखा है, जो सर्वे होता है ना, रेड होती है, तो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले, बस इतना ही, उसके बाद आप अननेसरी हरेस नहीं करोगे, रात भर बैठे असेसिंग ऑफिसर के वो आपके घर पे, ऐसा नहीं, और एकदम आ गए सवेरे 4 बजे, नहीं ऐसा भी नहीं, सनराइज सनसेट ऐसा लिखा है, फाइनल में पढ़ोगे ये सब, मंगलसूत्र लिखा है, सुहाग का सामान नहीं हाथ लगा सर, मजाक नहीं कर रहा, अरे आपको मजाक लग रहा सही में, मंगलसूत्र पता है? नहीं पता, पता है ना, बर्तन वगैरह भी नहीं, कपड़े वपड़े सब बेच सकते तुम्हारे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे क्या? सोने के बर्तन कैपिटल एसेट है, वो हाथ लगा लिए जाएंगे, चांदी के नहीं लगा सकते, सोने के हाथ लगाएंगे, मैंने पहले ही बोला था, कल ही बताया था, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में सोने के बर्तन को कैपिटल एसेट पकड़ा है, पर चांदी का नहीं पकड़ा, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन के अंदर चांदी के बर्तन में खाना खाना ट्रेडी, हम में से कई लोगों के घर में चांदी का डिनर सेट रहता है, जो पैसे वाले होंगे, आप क्या है आप क्या गरीब बेटा, फीस भरनी बाकी है इसलिए बोल रहे क्या, मैं गरीब हूँ दादा दर्शन सर को, मैं भी गरीब हूँ भाई चलो ठीक है,
नहीं ऐसा नहीं, हर आदमी अपने घर में अमीर है ऐसा समझने का अपन ने, ठीक है ध्यान दो। हाँ तो ये समझा आपको, सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया टू अवॉइड टैक्स, ठीक है। या फिर वो क्या करना है, लाइकली टू चार्ज या सेल या ट्रांसफर या डिस्पोज, कुछ तो भी करना चाहता है टू अवॉइड, अवॉइड क्या करना है, लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जनरली टैक्स बोलो, इंटरेस्ट बोलो, पेनल्टी बोलो, ये लायबिलिटी रहती है, ठीक है। द टोटल इनकम ऑफ सच पर्सन फॉर अ पीरियड फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर टू द डेट व्हेन असेसिंग ऑफिसर कमेंसेस प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन इज चार्जेबल टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। मतलब ये फाइनेंशियल ईयर का तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ 1/4/2020 से लेके जिस दिन असेसिंग ऑफिसर को ये पता चलता है, मान लीजिए 1/7/2021 को, अभी इसको ये पता चलता है, तो इस तारीख तक का पूरा तेरा हिसाब किताब हम करेंगे और इस तारीख तक जो भी कुछ इनकम कमाई होगी तो उस पर हम टैक्स ले लेंगे। समझ आई बात। डिसकंटिन्यूड बिजनेस लास्ट और बहुत सिंपल है, 1/4/2020 को बिजनेस स्टार्ट किया, 31/7/2020 को बिजनेस बंद कर दिया, मजा नहीं आया छोड़ दिया, एक बैच पढ़ाई और छोड़ दिया। एग्जाम्पल, एक बैच पढ़ाई 3 महीने फाउंडेशन की और फिर छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ाना यार फाउंडेशन, और बिजनेस ही बंद कर दिया मैंने, प्रोफेशन ये कोचिंग का प्रोफेशन बंद कर दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो डिसकंटिन्यूड बिजनेस है और असेसिंग ऑफिसर अगर चाहे एट डिस्क्रिशन, देख भाई तूने बिजनेस तो डिसकंटिन्यू कर दिया ना, अब कहाँ हम एक साल रुकते बैठे, अगले साल तो तू वापस कमाने वाला नहीं है, तो हमारा हिसाब कर देना भैया, जो टैक्स लायबिलिटी हमको दे दे इसी साल दे दे। वेर एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज डिसकंटिन्यूड इन एनी असेसमेंट ईयर द इनकम ऑफ द पीरियड फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रीवियस ईयर अप टू द डेट इन सच डिसकंटिन्यूस मे एट डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर बी चार्ज टू टैक्स इन दैट असेसमेंट ईयर। समझी बात, नहीं असेसमेंट ईयर के भाषा में बात कर रहा है ये, पूरी समझ लेना बात। एवरी असेसमेंट ईयर इज प्रीवियस ईयर एंड एवरी प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो असेसमेंट ईयर, ये आपको पता है, असेसमेंट ईयर की भाषा में बात कर रहा है। क्लियर है तो हाँ बोलो। एक बेसिक, काफी बेसिक पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। दूसरा हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे आज, वो है रेट ऑफ टैक्स, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप एक चीज समझ लो, हर जगह इसका काम है और मैं अटेम्प वालों आपको तो पक्का काम है, इस बार तो दो स्लैब रेट है। समझ रहे नहीं समझ रहे, पहली बार इनकम टैक्स में दो स्लैब रेट आए हैं, मतलब या तो ये। अब एक चीज समझना बेटा, टैक्स निकालना, सरचार्ज, ये हर क्वेश्चन में काम आ सकता है, मतलब क्वेश्चंस जो आएंगे या तो टैक्सेबल इनकम निकालनी होगी या टैक्स निकालना पड़ेगा, दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टैक्सेबल इनकम मतलब इनकम निकाला, और उसके ऊपर अगर आपको कहता है टैक्स कैलकुलेट करो, तो आपको वो इसी तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसी भी इनकम टैक्स के स्टूडेंट को टैक्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। आसान है, स्टार्टिंग में गलती हो सकती है, सरचार्ज थोड़ा और कठिन है, लेकिन इसको टाइम लगेगा, हम प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग अपनी अपनी कॉपीज निकालिए, अब पेजेस ख़राब करने पड़ेंगे थोड़े से, 20 पैसे के पन्ने का बहुत विचार करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं पेजेस ख़राब करने का, ठीक है। मैं सीधा टैक्सेशन रेट पे आ रहा हूं, और ये स्लैब रेट जो है ये आपको मैंने बताया था क्या एप्लीकेबल है बेटा, फाइनेंस एक्ट 2020, मतलब प्रीवियस ईयर 2021, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, ये बेटा मई वालों को भी और नवंबर वालों को भी यही अप्लीकेबल है। मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी कोई आप में से है जिसका मई 22 अटेम्प्ट है, कोई ऐसा यहाँ बैठा है ना, मई 22 वालों के लिए कानून बदल जाएगा, उनके लिए क्या कानून आएगा, फाइनेंस एक्ट 21, प्रीवियस ईयर 21-22, असेसमेंट ईयर 22-23। देखिए कितना आसान है, सीख गए ना आप लोग, शाबाश। चलिए एक काम करते क्या, ये चार पॉइंट एक बार बस पढ़ो मेरे कहने पे और देखो कितना समझता है। समझा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, पढ़ के देखो, आपको शायद समझ गया विशाल, क्योंकि आप परफेक्टली बता रहे हो, आपके पापा चार्टर्ड है,
देखो देखो देखो, उसके तरफ मत देखो, यहाँ देखो, थोड़ा सा एक चीज समझाना पड़ेगा इसमें, पहले देखो समझ रहा क्या। पढ़ो ना, आप लोग मत पढ़ो, आपको तो आता है, पढ़े क्या? अच्छा यहां से पढ़ रहे हो, ओके, मेरे को लगा मेरी तरफ देख रहे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। पढ़ लिया, पढ़ क्या बोल बेटा पहले? हाँ, ये कहानी सिर्फ ये 5 लोगों के लिए है, ऊपर लिखा है कि ये कौन, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, आर्टिफिशियल जुरिस्टिकल पर्सन। हाँ सिर्फ 5 के लिए है ये। इंडिविजुअल में महिलाएं आती है कि इंसान पुरुष आते हैं, कि दोनों आएंगे? दोनों आएंगे। कुछ साल पहले लेडीज के लिए अलग रेट था, जेंट्स के लिए अलग रेट था, लेडीज को थोड़ा बेनिफिट ज्यादा देते थे, फिर सटक गई किसी की, नहीं बोले जाने दो, दोनों को एक ही रखो, ठीक है, 50,000 बेनिफिट ज्यादा था। ये पढ़ लिया, अब आपको जो समझा ये देख के प्लीज मुझे बताओ, ठीक है? मैं एक एक पॉइंट बाय पॉइंट जा रहा हूं। इस पॉइंट का मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो रहा है पहले और समझ लो। मैं कहता हूं अगर मेरी 2,49,999 इनकम है तो टैक्स लगेगा, 2,50,000 एक्यूरेट है तो लगेगा, टू, हाँ बस वही, मतलब गलती क्यों नहीं किया अभी तक बेटा? क्या लिखा है? डज नॉट एक्सीड 2,50,000। नहीं तेरे लगने से नहीं होता ना। नहीं, मैं अभी 2,50,000 ही बोल रहा था, पूरा सुनो से। अगर डॉट 2,50,000 है तो टैक्स लगेगा क्या? ना। एक्सीड हुआ क्या? ना। 2,50,000 50 पैसे किस पे लगेगा? 50 पैसे पे टैक्स लगेगा, समझे बेटा? कितना जो एक्सीड होता है अमाउंट उस पे टैक्स लगेगा, समझे बेटा? आप समझे बेटा? पक्का? और आगे बढ़ता हूं, ठीक है? सेकंड पॉइंट देख के क्या सीखे? ये टाइम पास कर रहा हूं मैं यहां, आपको ऐसा लग रहा होगा सर क्या इतना आसान है टाइम? नहीं बेटा, कई लोगों को नहीं समझता आखिरी तक। मैं चाहता कि फर्स्ट रोक में हमारे आंसर सही हो, पन्ने खराब नहीं हो, ठीक है ना? ध्यान दो, वेयर टोटल इनकम एक्सीड्स 2,50,000, यानी 2,50,000 1 रुपया 50, जो तुम्हारी इच्छा है पकड़, ठीक है? बट डज नॉट एक्सीड, यानी 2,50,000 1 रुपए से लेके 5 लाख तक, डज नॉट एक्सीड बोला, कितना लगेगा? किस पे? क्या पूरे 5 लाख पे 5% लगेगा? ना, द अमाउंट बाय विच द टोटल इनकम एक्सीड्स 2,50,000, क्योंकि 2,50,000 तक तो नहीं लेना, बोला ना 2,50,000 तक की इनकम का हिसाब पहले ही पॉइंट में हो गया, 2,50 से 5 तक की इनकम का हिसाब यहां होगा। कितना होता है बेटा 2,50 से 5 के बीच में? 2,50, 2,50 का 5%, कैलकुलेटर चलाओ, नहीं आता तो 12,500, यानी सेकेंड पॉइंट तक मेरा टैक्स कितना आ गया? 12,500 सेकेंड पॉइंट तक का हिसाब हो गया। अरे हाँ कि ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थर्ड पॉइंट पे आओ, वैसे टोटल इनकम एक्सीड्स 5, बट यानी 5 लाख 1 रुपए से लेके 10 लाख तक का हिसाब यहां पे होगा, कितना? 20%, ये छुपा देता हूं, 20% ऑफ द अमाउंट बाय विच टोटल इनकम एक्सीड्स 5 लाख। तो 5 लाख 1 रुपए से लेके 5 लाख, सॉरी एक्सीड 10 लाख तक कितना होता है? 5 लाख, 5 लाख का 20% कितना होता है? 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख का 20% 1 लाख होता है, 1,12,000 क्यों बोल रहा है? छुपाया ना, 1 लाख। तीसरे पॉइंट का हिसाब कितना निकला? 1 लाख, और ऊपर तक के पॉइंट का हिसाब कितना हुआ था? 12,500, तो 1 लाख प्लस 12,500, 1,12,500, नहीं यहां तक का हिसाब हो गया, समझ रहे क्या? बच्चे को सिखाते ना तो वैसे ही खड़े होकर दौड़ना नहीं सिखाते, धीरे धीरे खड़े होकर फिर चलना सीखा, तो मैं ऐसे चलना सिखा रहा, समझ लो। वेयर टोटल इनकम इसके बाद 10 के ऊपर जो भी कितना? 30%, 10 के ऊपर जो भी गया 30%, लेकिन
यहां तक का हिसाब तो बता, यहां तक का हिसाब था 1,00,000 + 12,500 ने 1,12,500 प्लस 10 के ऊपर जो भी गया उसका 30% जोड़ दो टैक्स आ गया। समझे नहीं समझे? नहीं समझे, समझ गया पहली बार में? कैसे समझ गया आप लोग? हो तो नहीं पक्का समझ गए? कितना टैक्स आएगा? ये इनकम है, निकालो निकालो। हाँ जल्दी बोल, एक मिनट क्या बोला? नहीं नहीं जल्दी बोल, वापस बोल। अरे गलती नहीं बोल, तूने क्या बोला बोल भाई बोल, मजा आ गया। हाँ बोला ना, गलती भी इतना हो ही नहीं सकता गलती ना हो। कैसे? मेरी टोटल इनकम मैं बता रहा हूँ कि 49,000 है, तो 4,90,000 टैक्स, 37,000 कैसे आएगा? अभी कितना आएगा बोलो फिर, टैक्स निकालो ना। अरे बेटा 4,90,000 में से 2.5 तक का हिसाब पहले कर, 2.5 गया, 2.5 में क्या बोलता है नहीं लेंगे, बचा कितना? 2,40, 5 के ऊपर थोड़ी गया है, 2,40 पे कितना हिसाब करने का बोला? 5%, इसका 5% कितना होता? 12,000। गलती हो गई, मेरी गलती है क्या? नहीं ऐसा मत करो यार तुम, यार इज्जत ले लोगे मेरी, ठीक है? चलिए ठीक है, अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे लेकिन एक प्रॉब्लम है, पता है क्या प्रॉब्लम है? ये जो है ना इंडिविजुअल, ये 60 साल तक के लोगों के लिए है। किसके लिए? 60 साल, 60 साल के ऊपर चला गया तो क्या होगा? देयर इज चेंज। इट इज टू बी नोटेड दैट सीनियर, देखो हमने क्या, पहले सिर्फ सीनियर सिटीजन का क्राइटेरिया रहता था पहले, यानी 3-4 साल पहले। अभी क्या हो गया? एक बुढ़े और एक ज्यादा बुढ़े, दो पकड़ लिया। हाँ सही में, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन, एक मैन एक सुपर मैन, ठीक है? इट इज टू बी नोटेड दैट फॉर अ सीनियर सिटीजन बींग रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये वर्ड यहां रेसिडेंट आया है। अब ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है ये मैं थोड़ा बाद में सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में रेसिडेंशियल स्टेटस है। अभी के लिए आप इतना समझ लो, ये देखना, समझना बेटा, यहां पे कुछ लिखा नहीं है कि रेसिडेंट होना कि नॉन रेसिडेंट होना। सही बोल रहा ना पलक? कुछ नहीं लिखा है, तो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो बेटा ये हिसाब से काम होगा। लेकिन ये जो 60 साल के ऊपर का बेनिफिट है ना, ये जो बुजुर्गों का बेनिफिट मिला है, ये सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट को मिला है। सर रेसिडेंट मतलब क्या? इंडिया में रहना चाहिए। कमाल हो गया पल अभिलाषा, कमाल कर दिया आपने, इतनी बड़ी डेफिनेशन है, पूरा चैप्टर है रेसिडेंट। ये बच्चे अगर ऐसा बोले हाँ रेसिडेंट यानी इंडिया में रहना चाहिए तो सही बात है। क्या? हाँ इसके अलावा भी और कुछ है, उसमें अमेंडमेंट है, इस साल अमेंडमेंट हो गया उसके अंदर, 7,500,000 रुपए का एक क्राइटेरिया और डाल दिया, 15,00,000 का भी डाला, नहीं 150,000 ऐसा कुछ तो भी क्राइटेरिया, 120 दिन, सॉरी 120 दिन और 7,500,000 वाला क्राइटेरिया डाला। चिंता मत करो बेटा, ये थोड़े ये ज्यादा होशियारी बताया था कि 180 दिन का, इसलिए इसको हाँ तो 12th में पढ़ाया था, तू वही रहेगा क्या? अभी ऐसा नहीं होता, ठीक है? चल मजाक कर रहा है, वहाँ टेंशन मत ले। 180 वाला भी है, 183 वाला, लेकिन उसके अलावा और अभी इस साल चेंज हुआ, ठीक है? तो चेंज अपने को चेंज पढ़ना है, आप लोगों के सबसे काम का क्वेश्चन है, वो आना ही चाहना है, और इनको आ गया ना तो फिर आपको नहीं आने वाला है, समझ लेना, ध्यान देना। अब किसी इंसान, देखो 60 साल तक के इंसान का हिसाब हो गया, अब वो अगर कोई प्राणी 60 के ऊपर और 80 के नीचे है तो, यानी कौन सा सिटीजन हुआ? वो सीनियर। और 80 के ऊपर चला गए बाबा जी तो, हाँ 80 के सॉरी ऊपर है ना, ऐसे होगा तो वो फिर वो क्या हो गया? सुपर सीनियर। ये सुपरमैन वो सुपर सीनियर, सुपरमैन वो मैन वो सुपरमैन, ठीक है? अब लेकिन कौन चाहिए समझ लेना बात, रेसिडेंट चाहिए। यानी अगर 61 साल का नॉन रेसिडेंट है तो उसका हिसाब कहाँ होगा? वो पहले पहले
यहां सिर्फ उसी इंसान का हिसाब होगा जो 60 के ऊपर भी है और साथ में रेसिडेंट भी है। इंसान तो रेसिडेंट होता है, क्या एचयूएफ भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट रहता है? एचयूएफ भी रेसिडेंट हाँ रहता ना, रहता है ना जी, बिल्कुल रहता है। देखते हैं अब, इधर ध्यान दो। एट एनी टाइम, अब ये वर्ड बड़े काम का है, सुनो, मैं एक एक वर्ड इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं कि इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूं कुछ कह रहा हूं, ये वर्ड बड़े काम का है, इसके ऊपर नोटिफिकेशन आया है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अब यहां समस्या उत्पन्न होती है। सर मेरा बर्थडे है 31 मार्च 2000, मैं 31 मार्च को पैदा हूं, ठीक है, इस साल 60 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे मेरे को, यानी समझना 31 मार्च लास्ट डेट होती है फाइनेंशियल ईयर की। अरे हाँ की ना, 31 मार्च इज लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर और मैं लास्ट डेट को 60 कंप्लीट हो रहा हूं। 31 मार्च को अगर आप पैदा हुए तो 30 तारीख की रात को 12 बजे आप 60 कंप्लीट हो जाएंगे ना, 30 तारीख की रात को 12 बजे आप 60 कंप्लीट। अब मेरे सवाल का जवाब दो, इस साल मैं 60 तो हो गया कंप्लीट लेकिन लास्ट डेट को हुआ तो मुझे सीनियर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, अरे रात को 12 बजे हुआ, कभी भी, भले ही एक दिन के लिए मैं सीनियर हूं लेकिन हूं ना, एनी टाइम कभी भी हुआ मैं सीनियर तो भी इस साल मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट है सर सीनियर को? 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, उनको कितना था? 2.5 लाख तक। अभी बेनिफिट देखो, फिर 3 से 5, 5% बच गया 2500, वो 12.5 था, 2500 बचते जा रहा, ये बेनिफिट है सीनियर को, समझे? अब इसके बाद आते हैं बूढ़े बाबा जी, 80 के ऊपर वाले, 8 अगेन, 31 मार्च को 80 का हुआ, ठीक है। इसके बाद एक सवाल और पूछूंगा, जवाब देना, ठीक है। पहले ये देख लो, बाबा जी लोगों का देख लो, बूढ़े बाबा जी का, बूढ़े बाबा जी का बहुत 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 फायदा दिया बिचारों को, नहीं ये नहीं दिखाऊंगा, ये मत देखना, हाँ सिर्फ ये देखो, 5 लाख तक नो टैक्स, 5 से 10, 20%, 10 के ऊपर 30%, समझ में आया? यानी कि इनके कितने बच रहे हैं? 12.5 हजार, इनके कितने बच रहे हैं? 2.5 हजार, उनके कुछ बच रहे हैं क्या? ना, बोलो बेटा समझ आया क्या? अरे हाँ कि ना, बहुत खुशी की बात है, समझ आया तो, नहीं आया तो और खुशी की बात। एक क्लेरिफिकेशन आया है, जरा समझ लेना बात, ये थर्ड, एक सेकंड मेरी बात फिर से सुनो। मैंने आपसे अभी सवाल जो पूछा था वो मैंने क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था 31 मार्च को अगर बर्थडे है तो क्या होगा, तो आपने क्या जवाब दिया था? सीनियर मान लेंगे सर उसको, क्योंकि 31 मार्च को बर्थडे है, मतलब वो 30th मार्च रात को 12 बजे हो गया। अरे 12 बजे दिन निकलता ना यार, बोलते ना डेट चेंज हो जाती ना। मेरा सवाल, अगर उसका बर्थडे 1 अप्रैल को है तो क्या? तो नेक्स्ट ईयर में जाएगा कि पिछले ही साल उसको मान लो सीनियर? भाई सर नेक्स्ट ईयर में देंगे ना, लेकिन जो इंसान 1 अप्रैल को पैदा हुआ है वो 31 मार्च रात को 12 बजे उतने साल का हो गया था, बोलो मानते क्या? अरे 12 बजे नेक्स्ट ईयर कैसे है? 12 बज के 1 सेकंड नेक्स्ट ईयर होता है, 11 बज के 59 मिनट 59 सेकंड प्रीवियस ईयर होता है, डॉट 12 बजे को कहां डालू, इधर की इधर? एकदम टेक्निकली अगर बात करनी है तो बिल्कुल, एक एक मेरे को तो गिनना ही है, तो गिनो बैठ के, चलो। अरे हां कि ना, आप देखो ना, 12 बज के 1 सेकंड यानी आगे चला गया, 11 बज के 59 मिनट 59 सेकंड इधर चला गया, डॉट 12 बजे, इधर की इधर,
कोई बोलेगा प्रीवियस, कोई बोलेगा आगे. गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन लाया. क्या लाया? हम क्लैरिफाई करते, तुम मत लड़ो भैया आपस में, वी आर क्लैरिफाई. बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया बच्चों, देखो इस क्लैरिफिकेशन को. क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 ईयर्स या 80 ईयर्स. फायदा तो 60 और 80 में ही है ना, और क्या है. ठीक है, ऑन 31 मार्च इटसेल्फ इन केस ऑफ सीनियर या वेरी सीनियर सिटीजन हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन 1 अप्रैल. जो आदमी 1 अप्रैल को पैदा हुआ उसके लिए क्या, तो एक सर्कुलर आया है. क्या लगता है, चलो बिना देखे बताओ ना, कहाँ डालेंगे? पिछले साल में, आगे नहीं, पिछले साल, यानी बेनिफिट देंगे? ये मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे. तुम्हारा क्या जा रहा है, उसको दे रहे तो देंगे क्या? देखो, इंडिविजुअल हु इज रेसिडेंट इन इंडिया, रेसिडेंट होना बहुत जरूरी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ. नॉन रेसिडेंट कोई एप्लीकेबल नहीं है बच्चों. एट द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर सीनियर एंड 80 ईयर्स और मोर वेरी सीनियर इज एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 3 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली. ये पता है आपको? हाँ. सिमिलरिटी हैज क्लैरिफाइड बाई दिस सर्क्यूलर, क्लैरिफाइड दैट पर्सन बॉर्न ऑन 1 अप्रैल वुड बी कंसिडर्ड, हम मानेंगे, टू हैव अटेन्ड अ पर्टिकुलर एज. ये पर्टिकुलर एज यानी कौन सी? 60 और 80 की, ऑन 31 मार्च इटसेल्फ. जाओ ओ भैया, पिछले साल ही मान लिया, अब ये मान रहे तो तुम्हारा क्या जा रहा है? माने दो ना. ठीक है, पर्टिकुलर डे 31 मार्च, द डे प्रीसीडिंग द एनिवर्सरी ऑफ हिज बर्थ. बर्थ एनिवर्सरी कौन सी तारीख की है? 1 अप्रैल. हमने क्या पकड़ लिया? 31 मार्च प्रीसीडिंग. इन पर्टिकुलर द क्वेश्चन ऑफ अटेनमेंट एज ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर बींग कंसिडर्ड सीनियर वेरी सिटीजन वुड बी डिसाइडेड ऑन अबाउ क्राइटेरिया. मतलब क्या हुआ, अगर कोई इंसान 60th बर्थडे उसका 1 अप्रैल को है, तो हम ये मान लेंगे कि प्रीवियस ईयर 2021 में ही उसने ये एज अटेन कर लिया एंड वुड बी एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. सिमिलरली कोई इंसान अगर 80th बर्थडे 1 अप्रैल को है, वुड बी ट्रीटेड एज अटेंड एज ऑफ 80 इयर्स इन प्रीवियस ईयर, पिछला साल ही पकड़ लेंगे, एंड वुड बी एलिजिबल फॉर हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ 5 लाख. क्लियर है कि नहीं है? इसके पीछे लॉजिक गवर्नमेंट ने ये दिया, सीबीडीटी ने लॉजिक दिया कि भैया 12:12 बजे, मतलब हमने तो डेट मान ली ना, कि नहीं मानी? मान ली. तो अब उसको इधर डालोगे इधर डालो, तो एम्बिग्यूटी. तो एक काम करो, एसएससी को बेनिफिट दो, एसएससी को बेनिफिट दो, उसको उधर डालो. क्लियर है कि नहीं? अब दिया तो अपना क्या जा रहा है यार, अपन करो वैसे. मजा आया क्या? बहुत मजा आया. अब एक बहुत गंदा काम हुआ यहां पे. गंदा काम यानी मतलब, तो ये हमारी मैडम ने किया, मैडम यानी हमारी निर्मला मैडम. ये एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स अ अमेंडमेंट. लेकिन ये सेक्शन 8वें चैप्टर में पढ़ने मिलेगा, इसलिए अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूं. मैं बता देता हूं क्या है, वो ये है. देखो क्या दिख रहा, देखो ना, 2:30 तक nil, 2:30 से 5:05, 5 से 7:30, 10, 7:30 से 10:15, 10 से 12:30, 20, 12:30 से 15, 25, 15 के ऊपर 30, यानी एकदम सब्जी मार्केट जैसा बना दिया. 5, 10, 15, 20, 25, 30. और इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम कब करेंगे बेटा? प्लीज चैप्टर 8. अभी के लिए इसको स्किप करो, क्योंकि अभी नहीं समझेगा, मतलब मैं समझा भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसको समझाने के लिए ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए लीव ट्रेवल कंसेशन क्या होता, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता. ये दोनों भी आपको सैलरी हेड में पढ़ने मिलेंगे, यानी सैलरी में अभी पढ़ाने का हूं. आपको पता होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होता, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से क्या होता. ये हमारा 7th चैप्टर है, तब आप लोगों को पढ़ाऊंगा. तो ये सब पढ़ने के बाद, जैसे ATCCD, TJJAA क्या होता है, ये सब पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा. दैट्स वाई ये आपको कब पढ़ने मिलेगा, ये डिटेल डिस्कशन मैंने 8th चैप्टर में डाला है, 8th चैप्टर में आपको डाला है. समझ आई बात? अरे हाँ कि ना? ठीक है, एक काम करते क्या बेटा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, बिना देखे करिए प्लीज, तो आपका फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं.
सॉल्व करिए ये वाला क्वेश्चन, एक बार ट्राई करिए। हाँ तो ये हमारा बेटा फर्स्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ। अभी तक हमने पांच तरह के पर्संस देखे, कौन से वैसे पढ़े साथ हैं, अभी हम किसके पास सेलिब्रेट पढ़े थे, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP आर्टिफिशियल ज्योग्राफिकल पर्सन, इनके बारे में मैं पढ़ चुका हूं। इसके बाद मैं तीन लोगों की और बात कर रहा हूं, फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। फर्म और LLP एक ही चीज है, लोकल अथॉरिटी। इन पे कितना टैक्स लगेगा, फ्लैट 30%, कोई एग्जेम्पशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, सीधा जितना 10 रुपए भी कमाए तो 3 रुपए ले लेने का, कोई टेंशन नहीं, कितना आसान है ना। हाँ सर ऐसा ही होना चाहिए, है ना। कोई भी फर्म हो, कोई भी LLP हो, कोई भी लोकल अथॉरिटी हो, फ्लैट 30% ऑन होल टोटल इनकम, समझे क्या, क्या समझे, 30% फ्लैट टैक्स लगेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो स्लैब रेट है, देख लो, डज नॉट एक्सीड 10 लाख, यानी 10 लाख तक 10%, कम ऑन समझो, 10 लाख तक 10%, सॉरी 10,000 तक 10%, 10,000 से 20,000 तक, ये 1,000 कहां से आया, 10,000 का 10% ऊपर तक का हिसाब, ठीक है। 20% ऑफ अमाउंट एक्सीड 10,000, अब ये कितना होगा, 1,000 प्लस 2,000 ये हो जाएगा, है ना। कैसे होगा, 10,000 से लेके 20,000 तक कितना होता है, 10,000, 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000, अरे हाँ कि ना, है ना। तो अगर 20,000 से एक्सीड हुई तो क्या होगा, 3,000 प्लस 30%, समझ रहे नहीं समझ रहे, जैसे वो स्लैब रेट थे वैसे ये स्लैब रेट, क्या समझे क्या, हाँ ठीक। अब एक चीज और, एक नोट लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी रेसिडेंट इन इंडिया कैन ऑप्ट फॉर कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स दैट इज 25.168। 25.168 कैसे आया, 22% प्लस 10% प्लस 4%, लगाओ बोला कैलकुलेटर और करो बोला, लिखो 22, मैं जितना बोल रहा हूं उतना लिखो कैलकुलेटर पे, 22 प्लस 10% प्लस 4%, कितना आया, समझ गया। अच्छा एक काम और करते क्या, लिखो 22 प्लस 14%, 25 पॉइंट। तो कोई भी ऐसी होशियारी ना करे, होशियारी मतलब समझे क्या, होशियारी का कहना पर नहीं समझे यार, सर यार 10-4 क्या करना है सर, सीधा 22 प्लस 14% करता हूं, ऐसी होशियारी देख लो, गलती हो जाएंगे फिर बोलना नहीं, क्या करोगे 22 प्लस 10, क्योंकि 10 सरचार्ज है, प्लस 4, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। यानी ये कंसेशनल रेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, ये लोग कंसेशनल रेट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। क्यों सर, कंसेशन काय का, कंसेशन हो रहा क्या, देखो किसी की इनकम अगर 20,000 के ऊपर चली गई सोसाइटी की, तो उसको 30% लग रहा है ना, तो एक काम करो ना, इसमें बैठ जाओ ना, लेकिन कब, अंडर सेक्शन 115 BAD इन रिस्पेक्ट ऑफ इज टोटल इनकम कंप्यूटेड विदाउट गिव इफेक्ट टू डिडक्शन अंडर 10AA 32AD इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव, 35AD सेक्शन 32AD डेप्रिसिएशन, 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव, 35CCC वेटेड एवरेज डिडक्शन एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32(1A). सर हमको ये कुछ नहीं पता, पता है किसी को, हाँ तो ये पता है, कब पता चलेगा, PGBP, तो ये कब पूछोगे आप मेरे से, PGBP में, ठीक है। और ये और एक चीज और बता देता हूं, ये जो इसके आगे का सेक्शन है, ये और ये कहां पढ़ना है, कहां पढ़ना है, फाइनल में पढ़ना है, तो फाइनल के पैसे दोगे तो फाइनल में पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ता, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आपके काम का ये नहीं है, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है, अरे भैया रुकना, कौन है, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है, आई बात समझ में, क्लियर। एक और चीज,
कंपनी। और ये भी इसके कंपनी में भी ऐसी एक और चीज है कोई, ये भी फाइनल लेवल पे ठीक है। अब यहां क्यों लिखा सर, फिर आपने लिखा ही क्यों? नहीं बेटा, अब जो है सो है, सेक्शन फाइनल लेवल पे डिल्ट है तो आपको बताना जरूरी कि फाइनल लेवल, यानी आपको अभी नहीं पूछा जाएगा, कल कोई आपको गलती से बोलता तेरे सर ने ये पढ़ाया क्या, उसको आप बता सकते हैं, अबे फाइनल लेवल पे ये समझा क्या, तेरे सर ने बेवकूफ बनाया तेरे को जबरदस्त, अरे जितना है उतना ही पढ़ लो ना यार, तो बहुत है, क्यों ज्यादा पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कंपनी के केस में कितना टैक्स लगेगा, अगर 1% बाकी रह गया, कितने कंपनी थे डोमेस्टिक और अ कंपनी विच इज डोमेस्टिक, अ कंपनी विच इज नॉट फॉरेन कंपनी इज डोमेस्टिक, और फॉरेन कंपनी क्या था डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी की, कंपनी विच इज नॉट डोमेस्टिक इज फॉरेन, फॉरेन में दो तरह का, सॉरी डोमेस्टिक में दो, एक इंडियन और दूसरी अरेंजमेंट किया है डिविडेंड पे करने का इंडिया, यानी वो इंडियन कंपनी नहीं है जो अरेंजमेंट करके जा रहे हैं, वो इंडियन कंपनी रहती तो पहले ही इसमें आ जाती ना, अरे हाँ कि ना क्या। ठीक है चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर एक विचित्र सा चीज लिखी हुई है, ठीक है, अब जो है सो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। डोमेस्टिक कंपनी के केस में 25% लगेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो पूरा है ना, ये दोनों पॉइंट, ये डोमेस्टिक कंपनी के लिए ही है, और ये जो पॉइंट है ना अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, मतलब कौन सी होगी बच्चों, फॉरेन कंपनी, इसमें दो है, एक 50% एक 40%। ठीक है अब ध्यान देना मेरी बात, बस इतना ही पढ़ा रहा हूं आज, उसके आगे सरचार्ज नहीं लूंगा, सरचार्ज तो आपका सर चार्ज हो जाएगा जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं सरचार्ज पढ़ा के, वैसे टाइम भी नहीं बचा, 136 होगा। समझो डोमेस्टिक कंपनी के केस में इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रीवियस ईयर 2018-19 इज लेस देन और इक्वल टू 400 crores तो 25%, और अगर इन एनी अदर केस 30%। अब आपको कंफ्यूजन शुरू हो गया, सर इस साल का देखना है कि जब चार साल पहले क्या देख रहे, मतलब हमको समझा नहीं सर, अभी कौन सा साल चालू है बच्चों, बस इतना बता दो आपको क्या एप्लीकेबल है, फाइनेंस एक्ट 20 फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर 1/4/20 से 31/3/2021 यानी असेसमेंट ईयर 1/4/21 से 31/3/2022 शाबाश, समझ गया ये? इस प्रीवियस ईयर में कंपनी को कितना टैक्स लगेगा ये देखने के लिए आपको प्रीवियस ईयर 2018-19 का टर्नओवर बताना पड़ेगा। अरे ऐसा क्यों, वो जाने तो पागल है ना निर्मला मैडम, क्यों क्यों ऐसा, यही साल क्यों? अब और बताता हूं, जब फाइनेंस एक्ट 2020 लागू थी ना, 19 लागू थी ना, तो ये जो ईयर था ये 17-18 था, कितने साल पहले की बात कर रही निर्मला मैडम, जरा गिनती मारो, 18-19 के बाद आता है 19-20, उसके बाद आता है 2021, यानी मैडम दो साल पहले का पूछ रही है, जब मैडम इस साल की बात कर रही थी ना, मतलब 1/4/2019 से 31/3/2020 तक की जब मैडम बात कर रही थी ना, तो मैडम ने 17-18 बोला था, 17-18 मतलब 18-19 1920, यानी बराबर दो साल पहले की बात कर रही जा रही है, नहीं समझे? खैर आपको दो साल चलो जाने दो, वो भी उतना डिटेल में नहीं जाते, आपके लिए क्या एप्लीकेबल है सीधा सिंपल से समझ लो, कौन सा 18-19 कम ऑन, अरे बेटा 18-19 लिखा है ना अभी की कब, हाँ सवाल अच्छा था, जो अभी हुई उसके लिए भी आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा सब्र लीजिए, चलो अच्छा चलो अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो 18-19 में उसका टर्नओवर कितना हो सकता है आपके हिसाब से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब जीरो, जीरो मतलब 400 से कम है कि ज्यादा है? अच्छा अरे हो ना ऐसा ही होगा ना यार, और कैसे होगा आप बताओ, अभी
ये क्या बोल रहे हैं, ये कहते हैं प्रीवियस ईयर 18-19 में तुम्हारा पहले टर्नओवर बताओ हमारे को, तो हम तो थे ही नहीं प्रीवियस ईयर 2018-19 में, नहीं थे, कुछ बिजनेस नहीं किया, यानी कुछ नहीं कमाया, यानी कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं मतलब 0-400 से कम है, हाँ 25%, ऐसे टैक्स को इंटरप्रेट करने का, जैसा लिखा है वैसा पढ़ने का, अपना दिमाग लगाना नहीं, वो घोड़े के आंखों के आजू बाजू वो लगाते हैं मालूम आपको, इधर इधर नहीं देखे, सीधा भागे वो, अगर सीधा भागोगे तो एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर दिमाग लगाओगे तो तकलीफ में आ जाओगे, फेल होने के चांस आ जाएंगे, समझ लेना बात, दिमाग लगाना है ना, पता है कब लगाना, सीए बनने के बाद, सीए फाइनल में लगाना, जितना दिमाग लगाना है लगाना, अभी आप बहुत बेसिक लेवल पर, समझे, तो क्या लिखा है बेटा, क्या लिखा है, 18-19 में 400 या उससे कम है ना, जीरो है ना, तो 25%, और अगर ऐसा नहीं है, इसके अलावा और कोई भी केस रहे, इसके अलावा कोई भी केस रहे, तो कितना परसेंट, 30%, है ना, पागल है ना मैडम, जबरदस्त, कोई लॉजिक ही नहीं है, इनकम टैक्स में कई जगह लॉजिक नहीं रहते, अरे नहीं रहते लॉजिक, अरे हो ना, अब इसके पीछे एक लॉजिक मैं बता सकता हूं, जो मैंने समझा है मैं बता सकता हूं, लेकिन वो सही है कि नहीं ये मैं भी नहीं बता सकता। नोटबंदी कब हुई थी, कम ऑन यार, 8 नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया था, इसके बाद इंडस्ट्रीज की बैंड बज गई थी, ठीक है, इसके बाद वाला साल कौन सा था, 17-18 बाद वाला फाइनेंशियल ईयर क्या था, 17-18। अब ये जो 17-18 के अंदर कंपनीज को बहुत लॉस हुआ क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट गया, तो मैडम ने पिछले साल यानी फाइनेंस एक्ट 2019 में ये प्रोविजन लाया कि भैया 17-18 में जिस जिसका टर्नओवर कम हुआ होगा उसको 25% टैक्स लगाएंगे, और उसी को कैरी फॉरवर्ड खींचा, तो अब ये साल आगे बढ़ा है, साल 2019 का 2020 हुआ, तो मैडम ने भी ये साल को आगे खींच दिया, हालांकि जरूरत नहीं थी लेकिन खींच दिया, अब खींच दिया तो खींच दिया, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, मैं पहले बता रहा हूं, हो सकता है ये गलत हो, मुझे ऐसा लगा कि भैया उसी साल का क्यों देख रहे हैं भैया, समझ रहे आप, नहीं समझ रहे, ऐसा इन एनी अदर केस 30% ऑफ टोटल इनकम, क्लियर है क्या ये बताओ, कोई भी 400 करोड़ से ज्यादा, सिंपल, इसके अलावा कुछ भी हो, हाँ ये नहीं हो सकता जो आप कह रहे हो। अभी एक चीज और देखना, इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी मैन्युफैक्चर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप एंड रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1-10-2019 एंड कमेंसेस मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और थिंग इंक्लूडिंग बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिफोर 31-3-2023 एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 115BAB 15% ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम इंसिडेंटल टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन आर्टिकल और थिंग इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर 115BAA 22% ऑफ टोटल इनकम, ये 115 और ये BAB और BAA कब पढ़ेंगे बोलो ना, ये देखो ना 115 BAA BAB ये आपको फाइनल लेवल पे पढ़ाएंगे, तो फिर ये देखूं क्या अभी मैं, नहीं सर इतना ही तो नहीं संभल रहा, आप क्या परेशान कर रहे हैं हमको, कंपनी हो गई लेकिन कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी का क्या, यानी जो फॉरेन कंपनी रहती है उनके ऊपर दो हिसाब है, एक तो उनको जो उनकी अदर इनकम यानी उनकी कोई भी इनकम रहे तो 40% लगता है, लेकिन अब ये कुछ पुराने एग्रीमेंट है समझ लेना, सिर्फ पढ़ लो, रॉयल्टी फीस फॉर रेंडरिंग टेक्निकल सर्विस रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न इन परस्यूएंस ऑफ एग्रीमेंट अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मेड बाय द कंपनी विद गवर्नमेंट और इंडियन कंसर्न बिटवीन 1961 एंड 1976 यानी 1-4-1961 से 31-3-1976 के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट हुई है ऐसी इंडियन कंसर्न से या इंडियन गवर्नमेंट के किसकी उस कंपनी की अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, समझने के लिए समझ लो आप गवर्नमेंट हो और आप इंडियन कंसर्न हो और मैं फॉरेन कंपनी हूं, यानी आई एम अ कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, दैट मींस आई एम अ फॉरेन कंपनी, कम ऑन समझ लो, 1-4-1961 से लेके 31-3-1976 के बीच में अपने बीच में कोई एग्रीमेंट हुई है, कोई रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कोई एग्रीमेंट हुई है, और आज भी अगर उसका पैसा दिया जा रहा है तो उस पैसे पर टैक्स कितना लगेगा, 50%, नहीं समझे आज भी एग्रीमेंट कब हुई अपने बीच,
1/4/1961, अरे किसके बीच में हुई? गवर्नमेंट, या आप इंडियन कंसर्न हो, कोई इंडियन कंपनी हो, गवर्नमेंट और मैं कौन हूं? अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, यानी आई एम ए फॉरेन कंपनी। अपनी एग्रीमेंट कब हुई थी? 1/4/1961 या 31/3/1976 के बीच में कभी तो भी हुई। किसकी लिए? किसकी किस चीज के लिए? रॉयल्टी के लिए। और अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है तो उसकी एग्रीमेंट होनी चाहिए थी 1/3/1964, 1/3 लिखा है, 4 नहीं लिखा है, एंड 31/3/1976। यदि ऐसा है और ऐसी कोई एग्रीमेंट के आज पैसे मिल रहे, अभी भी उसकी रॉयल्टी मिल रही, अभी भी उसकी फीस मिल रही है, तो उसके पैसे, उसके ऊपर टैक्स कितने परसेंट लगेगा? 50। अब आप बोलोगे सर एग्रीमेंट अगर 1/4/1976 को हुई तो ये मत बोलना सर ये तो पिछले साल हो गया है ना, अभी पढ़ाया था ना सीनियर सुनियर सुपर सीनियर सर, वो 1/4/1976 मतलब 31 के रात को, वो सिर्फ वहीं का क्लेरिफिकेशन है, उस क्लेरिफिकेशन को यहां मत लगाना। यानी वो कहां चले जाएंगे? वो ये पीरियड में नहीं बैठेगा, और ये पीरियड में नहीं बैठेगा तो फिर टैक्स कितना लगेगा? 40%, ये नीचे वाला, एनी अदर इनकम। और अगर उस पीरियड के एग्रीमेंट में बैठ रही है रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के लिए डेट थोड़ी सी अलग है, तो कितना पकड़ोगे हम? समझ आया? अब ये सब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और समझ में आएगा। अब एक चीज आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं बेटा, हालांकि ये अभी काम के नहीं है, समझना बात, ये अभी नहीं लेता हूं, बहुत ज्यादा हो जाएगा डोज नहीं तो। ये तीनों कैपिटल गेन में है, ये तीनों कैपिटल गेन में, ठीक है। 115BB ये लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग, इस पे 30% लगता है फ्लैट। अनएक्सप्लेन मनी, अनएक्सप्लेन, ये अभी आपने देखा था सेक्शन 68 वगैरह, इस पे लगता है फ्लैट 60%। तुमने नहीं बताया, हमने पकड़ा तो हम तो बैंड बजाएंगे तुम्हारे, ठीक है, क्लियर है। अभी अनएक्सप्लेन मनी, इसके ऊपर बेटा एक कहानी है, ये 60% क्यों हुआ ये मैं आप लोगों को कल बताऊंगा, कल क्लास नहीं, कल संडे है, अब हम मंडे को मिले। जुबेर सर ले लेंगे कल क्लास? नहीं, मिटकेट सर की तो है ही नहीं, सीधा हम मंडे को मिलेंगे, उसको आपको कहानी बता के सरचार्ज हम पढ़ेंगे और 99% सरचार्ज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस वगैरह करके प्लस चैप्टर हमारा ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाएगा। सर के ऊपर चार्ज ध्यान दो ना, बताऊंगा ना क्यों चिंता कर रहे हो। यानी टैक्स लेने के बाद भी गवर्नमेंट का पेट नहीं भरा, और चाहिए बोले तो अब टैक्स तो ज्यादा बढ़ा नहीं सकते सरचार्ज। और सरचार्ज पता है कि इन पे लगाया जाता है? जिनकी इनकम 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख के ऊपर है उनको सरचार्ज लगाए। तो ज्यादा कमा रहे ना, ज्यादा था ऐसा, ठीक है, 50 लाख के नीचे नहीं लगता।